Welcome to all the participants today. We are just a couple of minutes away from 2 p.m. and we are just starting off exactly, I mean, on time. We definitely will look forward to participation of all the people in today's deliberations, and the topics are also very apt for today. We are having today some interesting sessions on how to increase your sales online with your existing setup. We are also having today discussions on e-invoicing under GST. Also, we will be discussing on the recent developments and issues under the hallmarking, for which we have our eminent speaker Bhavin Mehta ji joining us. And also today is the auspicious day of the World Investor Week, which we are celebrating worldwide, because as security market regulator SEBI, they are a member of ISCO, and every October each year they celebrate the World Investors Week. This year, unfortunately, due to the COVID pandemic, it could not be held in October. But nonetheless, we are having the SEBI-regulated World Investor Week being celebrated in this week. And we are very happy that this event is being held also under the Investors Week itself. For that, we will also have a presentation today on risk management via MCX Gold and Silver Derivatives, for which we have Mr. Shivanshu Mehta and Mr. Amarpal Singh from MCX. And just before we have this program kick-started, I would like to call upon co-convener of Labham committee, Mr. Manoj Jha, to kindly give a welcome remarks on behalf of the Labham committee. Good afternoon, everyone. A warm welcome to all of you. Labham, as you all know, it's a program which GJC is doing from a lot of years. और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जितने भी इंडिया में ज्वेलर्स हैं, खासकर जो मीडियम लेवल के ज्वेलर हैं या बी टायर और सी टायर सिटीज के लोग हैं, उनको बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट के इश्यूज, जो नए लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अपडेटेड तरीके से नहीं होते या उसके लिए उनको बहुत सारे एम्बिग्युटी होती है. वो लाभम का सबसे मेजर रोल है और उसके लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि हर ज्वेलर इस किसी भी ऐसे तकलीफों से ना गुजरे जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से वो तकलीफ में आ जाए. सो मैक्सिमम लोग कॉम्प्लायंट हो सकें और उसका बेनिफिट उठा सके. पहले जब कोविड सिचुएशन नहीं था तो हम लोग शहर शहर गांव गांव में जाके ये लाभम इवेंट करते थे. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम अंडमान निकोबार, हर जगह हमने किया है इस लाभम प्रोग्राम को, सो दैट कि हर ज्वेलर इससे बेनिफिट उठा सके. अब नया हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने कॉम्प्लायंस इशू हैं वो तो बताते ही हैं, उसको सॉल्व करते ही हैं, साथ में आप अपना बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हैं. हर बार हम नई एक टॉपिक लेके आते हैं कि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और उस जैसे कि इस बार हम लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लेके आए हैं कि जो सिचुएशन है वो खासकर पोस्ट कोविड, हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है और फ्यूचर में ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ये जो कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से हम उसमें इन्वॉल्व हो सकें, आगे तक जा सकें, उसके लिए हम आज जैसे ऑनलाइन की इस पे चर्चा करेंगे. लेटेस्ट है हॉलमार्किंग, अभी बहुत सारी चीज़ें हॉलमार्किंग में एम्बिग्युटी है और बहुत ऐसे रूल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, कब से आना नहीं आना है, वो बहुत डिस्कशन का पॉइंट है और बहुत लोगों को अभी भी उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में बताना है. फिर जो ई इनवॉइसिंग है उसमें हर कुछ दिनों में नई नई बातें आ रही हैं, तो उसको बताना है. ये तो मैं आज की बात बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल लाभम जो इवेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और ये केवल ज्वेलर्स को एडुकेट करने के लिए और उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये जीजेसी का एफर्ट है, जो कॉन्टिन्यूस हम लोग इस एफर्ट को करते रहते हैं. और इसमें
पूरी जीजेसी की टीम, जीजेसी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन, हमारे को कन्वेनर संजय जी और हमारे सभी पास चेयरमैन, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे ये हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस लाउंज सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वेलकम एंड फॉर अ ग्रेट स्टार्ट टू द लाबम प्रोग्राम। We now move on for the next part of the presentation which we have today. We are having with us Mr. Shivanshu Mehta ji, who is the head of bullion at MCX, and he would be making a presentation along with his colleague Mr. Amarpal Singh from MCX on the risk management via MCX gold and silver derivatives. Mr. Shivanshu Mehta ji is very well known and he has been interacting with us over the last many years. He holds a key portfolio of precious metals business at India's number one commodity exchange MCX, and over the years he has enriched the market space with very new and innovative products. The MCX bullion derivatives is just one of them, and today on the occasion of the World Investors Summit under the aegis of SEBI, MCX would be giving us a very brief description about what they have in store for the bullion market as well as the silver derivatives. So over to you Shivanshu ji and Amarpal ji for your kind presentation. Thank you, Vishal ji. And before we begin, I'll just quickly take a moment to emphasize basically जो exchange के माध्यम से GJC के जो members dwellers हैं, जैसा कि मनोज जी अभी बता रहे थे कि लाभम का जो अर्थ है वो यही है कि best practices के बारे में awareness लगातार बढ़ाई जाए, तो वही हमारा भी theme है कि जितने dweller भाई हैं across the country, वो बाजार में जो प्राइस का जोखिम है उसको कैसे मिटिगेट करें और अपना जो फैब्रिकेशन मार्कअप है, मार्जिन है, उसे कैसे सुरक्षित रखें, इंश्योर्ड रखें, ताकि बाजार के भाव के उथल पुथल में मार्जिन पे कोई असर ना आए, इन्वेंट्री की को कैसे वो हेज करें, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें और ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपनी प्राइसिंग को फ्लेक्सिबल बना सकें फेस्टिवल सीजन में, और डाउनसाइड को इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह देकर प्रोटेक्ट कर सके जबकि ऊपर की तरफ पार्टिसिपेटिव रह सके। ये कुछ एक मुद्दे हैं जो हम पॉइंटेडली मैं बोल रहा हूँ, जो कि हम इस प्रेजेंटेशन के जरिए से आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। और एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवरी का भी लेन देन किया जाता है, क्वालिटी अश्योर्ड प्रोडक्ट्स सोना चांदी के जो हमारे पास हैं उसका भी ज्वेलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे जरूरी बात यह है कि जो प्राइस है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है उसके अंदर आपके जो तीन रिस्क हैं वो तीनों कवर हो जाते हैं, यानी कि आपका गोल्ड का, सिल्वर का इंटरनेशनल प्राइस रिस्क, आपका कस्टम ड्यूटी टैरिफ के अंदर जो चेंज आते हैं और आपका करेंसी एक्सचेंज रेट। तो इन तीनों को के मिश्रण से MCX के भाव बनते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं। बिना ज्यादा समय लिए हुए अब मैं अपने कोलीग मिस्टर अमरपाल सिंह से आग्रह करूंगा कि वो आपको जल्दी से इस प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके चलें और उसके बाद भी एक Q&A सेशन रखेंगे और इस समिट के बाद भी आप हमारे से जुड़े रहें, इसके लिए हम अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू शिवांशु सर। गाका सर, एम आई ऑडिबल? कैन यू सी द स्क्रीन? या वी कैन सी द स्क्रीन। एम आई ऑडिबल गाकर जी? Yes, please begin. Please yeah, begin. Fine. Yeah. So, thank you, Shivanshu sir. Thank you, Gakkar sir, and GJC giving this opportunity. Similarly, jaisa ki Shivanshu sir ne bataya ki MCX is the benchmark for value chain and end consumers, and everybody is entire industry, bullion industry is taking MCX as a reference, and all price quoted are MCX plus minus. Where in MCX we have inbuilt gold price, where we have USD INR as well as the import duty changes, and all importer, bullion trader, branded jeweler, retail jewelers, exporter, all use our platform for the reference as well as for hedging part. Similarly, we have a strong correlation with the international benchmark as well as domestic spot, where you have around approximately 98.93% correlation with CME as well as domestic spot. We have 98.02% ke aspas correlation hai. Similarly, sabse best part hai ki hamara jo timings hai wo pure world ko cover karta hai, and majorly we cover the US markets also. Hello. Hello. Hello, I have one question, sir.
Sir, can we take questions after some time? Because we are, after the session, we will take. We will have time for question answers at the end of the session. We will have a question answer session just after this. थैंक यू काकर सर. सो सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा 2018-19 से और 19-20 का कंपैरिजन में हमारा अप्रोक्सीमेटली 102% का ग्रोथ आप देख सकते हैं. सिमिलरली सिल्वर में आप देख सकते हैं हमारा 2018-19 का 76% ग्रोथ है एंड गोल्ड का परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 31% ग्रोथ है. सिमिलरली सिल्वर में हमारा 128% ग्रोथ है और आप देख सकते हैं कि अपना टोटल जो टर्नओवर है 2018-19 के कंपैरिजन में 19-20 का 91% ग्रोथ है. सिमिलरली परसेंटेज चेंज ओवर 69% बड़ा है इस साल के मुकाबले और सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली हेल्दी काफ़ी टर्नओवर राइज हुआ है अलॉन्ग विद वोलेटिलिटी. और आप देख सकते हैं हमारा डेली वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 18.2 टन्स के आसपास है गोल्ड में. उसके बावजूद हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है ये 23.4 टन्स जो दिखाता है कि इतने विश्वास है और इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को. आफ्टर सो मच ऑफ वोलेटिलिटी दी ओपन इंटरेस्ट एवरेज ओपन इंटरेस्ट इज मेंटेन एट अबाउट 23 टन्स. सिमिलरली सिल्वर में हमारा जो वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेटली डेली वॉल्यूम है एवरेज जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 टन्स है और ओपन इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 570 टन्स है. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वी हैव ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स. हमारे पास बड़े इन्वेस्टर बड़े हेजर के कॉन्ट्रैक्ट भी है 1 kg. वी हैव मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 100 grams. वी हैव ए गोल्ड गिनी कॉन्ट्रैक्ट्स 8 gram एंड सिमिलरली वी हैव गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज 1 gram. सो ऑल लेवल ऑफ द बुलियन हेजर्स द ज्वेलर्स एज वेल एज द रिटेल इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन अवर गोल्ड प्रोडक्ट्स. सिमिलरली आप जो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है उस पे जो स्क्रीन पे जो भाव चल रहा है वो 10 gram का है और गोल्ड मिनी पे भी हमारा स्क्रीन पे जो भाव चलता है वो 10 gram का है. गोल्ड 1 kg में जो ट्रेडिंग यूनिट है वो लॉट साइज है 1 kg है. सिमिलरली 100 gram में जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 100 gram का है और इसमें जो टिक साइज जो है वो प्लस माइनस 1 rupee है सभी में और 1 rupee पे 1 kg में 100 rupees की हारजीत है और 100 gram में 1 kilo पे 10 rupees की हारजीत होती है. मूवमेंट ऑफ 1 rupee विल फेच यू 10 rupees प्लस माइनस इज 100 gram कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली दोस्तों 8 gram का कॉन्ट्रैक्ट है स्क्रीन पे जो भाव चल रहा है वो 8 gram का है. लॉट साइज 8 gram का है 1 rupee पे 1 rupee हारजीत है. सिमिलरली गोल्ड पेटल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 gram का कॉन्ट्रैक्ट है स्क्रीन पे प्राइस लॉट साइज 1 gram है तो 1 rupee पे 1 rupee हारजीत है. वो आप देख सकते हैं कि हमारी वोलेटिलिटी है अप्रोक्सीमेटली 2016-17-18-19-20 आप देखेंगे 15% 9% अगेन 9% 2018 में. सिमिलरली 2019 में 12% और 2020 में आप देखिए 19% काफी वोलेटाइल रहा है ड्यू टू पेंडेमिक. एंड सिमिलरली जो सकते हैं कि कितना हाईली लिक्विड है और सिमिलरली लो इंपैक्ट कॉस्ट है और डेप्थ ऑफ ऑर्डर बुक है. सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया है. ये सारा जताता है कि हमारी हेजिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है. सो ये काफी हेल्दी है हेजिंग एफिशिएंसी. सिमिलरली दोस्तों सिल्वर में वी हैव 3 contracts 1 kg 5 kg एंड 30 kg. 30 kg ऑलरेडी डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट था. सो 1 kg 5 kg में हमने डिलीवरी चालू की और काफ़ी अच्छी डिलीवरी अब तक 22 टन हमने डिलीवरी इसमें देखी गई है. रिसेंटली हमने इसको कंपलसरी डिलीवरी कर दिया. स्क्रीन पे तीनों का जो चांदी का जो भाव देखेंगे आप स्क्रीन पे वो 1 kilo का भाव है अप्रोक्सीमेटली. जो स्क्रीन पे अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 60,000 भाव चल रहा है तो स्क्रीन पे जो भाव दिखेगा तीनों कॉन्ट्रैक्ट का सेम है 60,000 rupees से पर kg. सिमिलरली जो लॉट साइज है जो 30 kg कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 rupee पे 30 rupees हारजीत है. सिमिलरली 5 kilo का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 1 rupee पे 5 rupees हारजीत है और 1 kg का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 1 rupee की हारजीत है. 1 rupee का ट्रेडिंग यूनिट है. और देख जैसा कि सबको पता है 2016-17-18-19-20 की वोलेटिलिटी देख सकते हैं. सिल्वर में 22%, 15%, 14%, 18% और लेटेस्ट 43% आप देख सकते हैं. ड्यू टू पैंडेमिक काफ़ी वोलेटाइल था उसके बावजूद MCX में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है और हाईएस्ट रिकॉर्ड डिलीवरीज हुए पोस्ट CTT और काफ़ी ओपन इंटरेस्ट इंटैक्ट है. और जैसा कि हम हेजिंग की बात करें दोस्तों जो मेन पर्पस है हमारा ये हेजिंग का बताने का. सो MCX को ऐसे हेजिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. हेजिंग दो साइड की होती है. एक तो आपके पास एग्जिस्टिंग ज्वेलर की इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके सामने आप MCX का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली इन्वेंट्री डिप्लीट हो जाती है माल बिक जाता है तो डिपेंड अपॉन कि आपको कितना री स्टॉक करना है.
आपको अगर आपको 20-25 दिन बाद आपको आपको खरीदारी करनी है 1 kg बार की, तो उसके सामने आप MCX बाय कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो एडवांटेजेस है हेजिंग के, एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है, और सिमिलरली जो MCX में जो मार्जिन है काफी लो है, अप्रोक्सीमेटली लो मार्जिन के सामने आपका पूरा एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल होता है। सिमिलरली आप प्राइस लॉक इन कर सकते हो, क्योंकि हमारे आगे 6 contracts हैं 1 kg गोल्ड में, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में, और सिल्वर में साल के 5 contracts है। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ जो प्रॉफिट मार्जिन है ये भी आप लॉक इन कर सकते हैं, और हेजिंग इन्वेंटरी के बारे में हम आगे बात करेंगे, और एक्सेसिबल टू ऑल बुलियन पार्टिसिपेंट्स। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों, जो हमारे सारे ज्वेलर्स विल यूज, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहले इसमें हमने मान लीजिए ज्वेलर के पास एक कस्टमर आता है, बोलता है 51,000 का भाव चल रहा है, भैया ये लीजिए 1,00,000 रुपया टोकन, और मुझे 1 kg की ज्वेलरी बना के दीजिए। सो वो आ गया, आप उसने आके बोला भैया आज 51,000 का भाव चल रहा है, मुझे 51,000 के भाव से मुझे ज्वेलरी चाहिए 20 दिन बाद। तो आपने उसने टोकन दिया, आपने शुरू कर दिया, ओके भैया मैं दे दूंगा 51,000 में। आपने, आपको पता है कि 1 हफ्ते में आपको ये लगना है, आपको 1 हफ्ते का प्रोसेस है बुलियन स्पॉट खरीद के, कैडबरी खरीद के 1 kg की, उसको मेल्ट करके ज्वेलरी में कन्वर्ट करने का 1 week का प्रोसेस है। सो आप बोलोगे कि मैं अभी पैसा क्यों ब्लॉक करूँ, वाई शुड आई पे दी फुल 1 kg गोल्ड की डिलीवरी में क्यों खरीदू पूरा पैसा देके, 50,00,000 रुपया देके, 51,00,000 रुपया देके। सो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे पता है कि ये 1 हफ्ते का साइकिल है, सो मैं 10 दिन बाद मुझे लगेगी 1 kg जो कैडबरी परचेस करनी है फॉर मेल्टिंग एंड मेकिंग टू ज्वेलरी, उसकी जगह पे मैं M6 फ्यूचर्स खरीदता हूँ। क्यों खरीदता हूँ M6 फ्यूचर्स? बिकॉज जो मेरी फिजिकल की जो ये है 1 kg का जो बार है वो कॉस्ट करता है 51,00,000। सिमिलरली MCX का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर सिर्फ 6% मार्जिन लग रही है, सो वो 6% मार्जिन देके मैं MCX का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करता हूँ। दोनों का लॉजिक सेम है। अगर मैंने 51,000 में सोना लिया है, 51,000 का लिया है सोने की लगड़ी, और भाव ऊपर चला गया, तो मुझे MCX में हेज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सिमिलरली टू हेज दैट, टू प्रोटेक्ट दैट, वी आर यूजिंग MCX प्लेटफॉर्म, जो भाव का वधघट है वो यूज करने के लिए वी आर यूजिंग दी M6 प्लेटफॉर्म। तो ये केस में मैंने फ्यूचर बुक कर लिया, मैंने गोल्ड फ्यूचर्स ले लिया 50,800 में। अब दोनों के बीच में जो गैप है वो 200 रुपए का फर्क है, M6 चल रहा है 50,800 और फिजिकल चल रहा है 51,000। सो जो मैंने 1 kg फिजिकल लेना था उसकी जगह पे मैंने M6 फ्यूचर्स ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1 हफ्ते में लगनी है, तो मैं अभी से क्यों खरीदी करूं, सो मैं अपना पैसा बचाऊंगा। सो उसमें मैंने M6 में गोल्ड खरीदा। सो आप देख सकते हैं दो सिनेरियो होगा, या तो गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा या तो गोल्ड का भाव नीचे आएगा। तो पहले सिनेरियो में गोल्ड का भाव नीचे आया, मान लीजिए गोल्ड का भाव नीचे आया, तो मैंने 50,800 में खरीदी की है मेरा फ्यूचर्स, या मेरा फ्यूचर्स 50,800 मैंने खरीदी की है, भाव नीचे आ गया 50,400, मुझे 400 रुपए M6 पे नुकसान हो गया। सिमिलरली जो मैं 51,000 में लगड़ी खरीद सकता था, जो 1 kg की बार खरीद सकता था गोल्ड का, वो अभी भाव चल रहा है 50,600, तो मुझे बार के ऊपर, गोल्ड बार के ऊपर फिजिकल में 400 रुपए का फायदा हुआ। सो नेट इफेक्ट मुझे 0। सो दिस इज दी प्रोटेक्शन, दिस वे आपको इन्वेंट्री अपनी हेज करनी है। सिमिलरली दूसरा सिनेरियो, भाव ऊपर चला गया, भाव ऊपर चला गया, सो मुझे पता है भाव ऊपर चला गया, सो 51,000 का भाव था, भाव ऊपर चला गया 50,800, तो फिजिकल में हो गया आपका 51,000, फ्यूचर हो गया 50,800, तो मुझे जो अभी मैं फ्यूचर सेल करूंगा 51,200 में, सिमिलरली मुझे प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का, और स्पॉट जो मैं 51,000 में खरीदा था, अभी मुझे 51,400 में खरीदना पड़ेगा फिजिकल 1 kg, तो मुझे 400 रुपया नुकसान हुआ। सो इन शॉर्ट मैं अपना पोजीशन यहाँ पे हेज करके चल रहा हूँ, जहां पर मुझे भाव फिक्स करके मुझे ऑर्डर आया है। और दोस्तों ये M6 खाली फीचर्स नहीं है, M6 में आप डिलीवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिलीवरी भी यूज करके आप डिलीवरी मंगा सकते हैं। जो डिलीवरी आप देख सकते हैं M6 में, जब से लेके अब तक जो फिगर्स है डिलीवरी के, राइट फ्रॉम 2004 से लेके अब तक के जो फिगर है, अप्रोक्सीमेटली 118 टन का हमारे यहाँ पे काम हुआ है। सिमिलरली हर साल का देखते हुए सिल्वर में जो हमारा जो काम हुआ है 2004 से लेके अब तक का 3591 टन का हमारा डिलीवरी हुआ है। गोल्ड में हमारी डिलीवरी अब तक जो हुई है वो 118 मेट्रिक टन है, सिमिलरली सिल्वर में 3591, और गोल्ड में जो हाईएस्ट हमारी डिलीवरी रिकॉर्ड हुई थी अगस्त 2019 में 5.15 मेट्रिक टन। सिल्वर में हमारी जो लेटेस्ट आपने देखा था 140 मेट्रिक टन का सितंबर में, विच वॉज अ 12-year हाई, वो भी हमारा रिकॉर्ड हुआ है, हाईएस्ट डिलीवरी पोस्ट CTD एंड सेकेंड हाईएस्ट फॉर द एक्सचेंज हिस्ट्री।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने छोटे डिनोमिनेशन में भी काम शुरू किया है, सो आप देख सकते हैं कि अराउंड 51 किलो के हमने कॉइन्स डिलीवर कर चुके हैं M6 प्लेटफॉर्म पे। सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली 10 टन का हमारा 1 kg का प्लेटफॉर्म में डिलीवरी हो चुकी है, एंड 5 kg में भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 टन के आसपास डिलीवरी हो चुकी है अब तक। और ये जो हमारा रिकॉर्ड रिसेस में 8.5 टन हुआ है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, सिमिलरली 4.4 टन सुनकर में, और 1D75 हमारा जो मेन 30 kg कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है बुलियन ऑप्शंस, जो अलोंग विद फ्यूचर्स आप ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन इन फ्यूचर्स में पास दो के हैं, 1 kg सिल्वर ऑप्शंस और 30 kg सिल्वर ऑप्शंस। सिमिलरली ऑप्शन इज गुड है जो लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है, 100 ग्राम के बार में भी आप उसमें ऑप्शन में आप हेजिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं हमारा एवरेज डेली वॉल्यूम इन लॉट से 1456 गोल्ड ऑप्शन में, एंड एवरेज डेली टर्नओवर आप 550 करोड़ के ऊपर है। एवरेज ओआई इन लॉट्स 3795 है गोल्ड ऑप्शन में। सिमिलरली सिल्वर ऑप्शन में हमारा 592 वॉल्यूम है इन लॉट्स, एंड सिमिलरली टर्नओवर अबव 80 करोड़। सिमिलरली एवरेज ओआई 1864 लॉट्स है। सिमिलरली ऑप्शंस के बारे में हम बात करें, जैसा कि ऑप्शंस फ्यूचर्स में आप मार्जिन भरते हो, सिमिलरली ऑप्शंस में आप प्रीमियम देते हो। अब ये प्रीमियम है क्या चीज़ दोस्तों? सो प्रीमियम वही चीज़ है जो आप कार का इंश्योरेंस करते समय आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो, 10,000 रुपये देते हो, और आपको आपको पता है कि आपकी गाड़ी को कुछ हो गया, डैमेज हो गया या चोरी हो गई, तो आपको वो 90% से 95% आपको प्रीमियम आपको कंपनी भर के देगी। सो आपने मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी के लिए 10,000 रुपये प्रीमियम पे किया, वो कंपलसरी है, आपको भरना पड़ता है। तो आपने 10 लाख का इंश्योरेंस आपने 10,000 रुपये दे के पे कर लिया, सो आपका अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो वो प्रीमियम 90-95% कंपनी देगी जो भी खर्चा आएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका वो प्रीमियम गया। तो सिमिलर वे में ये जो प्रीमियम होता है ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो रिस्क है वो प्राइस का रिस्क है। वी हैव रिस्क ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। हमारी दुकानें 50 साल 100 साल 150 साल पुरानी है, बट वी डोंट नो कि गोल्ड का प्राइस सिल्वर का प्राइस कहाँ जाएगा अब से लेकर यहाँ तक। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द प्रीमियम। सो ऑप्शंस में फायदा ये होता है कि इसमें जिसको लगता है कि फ्यूचर्स में मार्जिन ज्यादा है, फ्यूचर्स में मार्क टू मार्केट काफी ज्यादा है, सो वो सामने ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ऑप्शन जो है ये इसमें जो अगर आप बाय करके चलते हैं तो लॉस लिमिटेड है, और सेल करके चलते हैं तो लॉस अनलिमिटेड है, सिमिलर टू फ्यूचर्स। सो बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट है, वन टाइम प्रीमियम पेमेंट है, और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, लो कैपिटल इंटेंसिव है। सिमिलरली कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन बायर जो होता है वो एक प्रीमियम भरता है, एंड ही हैज अ राइट टू बाय। वो कभी भी डिमांड कर सकता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, एंड ऑप्शन सेलर ऑफ कॉल डज नॉट हैव एनी राइट, तो वो उसको ऑब्लाइज करना ही पड़ता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में, हाँ जी सर, सर या विशाल सर, 3 मिनट्स आई एम जस्ट समिंग अप, 2 मिनट्स आई एम समिंग अप विद द ऑप्शन, थैंक यू। सो सिमिलरली कॉल ऑप्शन में द ऑप्शन पे से प्रीमियम फॉर द ऑप्शन बायर, और पुट ऑप्शन में ऑप्शन कॉल ऑप्शन इज फॉर अगर आप बाइंग करते हो, आपको लग रहा है कि आपको लॉन्ग प्रोटेक्ट करना इन्वेंटरी का, सो आप उसमें आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो। सिमिलरली आपको इन्वेंटरी प्रोटेक्ट करनी है, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है, तो आप पुट लेके आप उसमें इन्वेंटरी हेज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेके आई विल फिनिश ऑफ विद दिस एग्जांपल। सिमिलरली जैसा कि एवरीबडी अवेयर ऑफ दिवाली गई थी, सो दिवाली में आगे भी आने वाले त्यौहार में लोगों को पता है कि मुझे कस्टमर वॉक इन करता है, कस्टमर बोलता है कि 15-20 दिन बाद जो भी मुझे लोवेस्ट प्राइस दीजिए, या तो मान लीजिए दिवाली गई है, दिवाली में जो लोअर ऑफ द प्राइस है, मान लीजिए अक्टूबर 20 को वो आया और बोलता है कि मुझे दिवाली पर आज का और दिवाली के बीच में जो भी लोवेस्ट प्राइस रहेगा वो आप मुझे ऑफर कीजिए। सो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली मेरा तो इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास कस्टमर आ गया 51,000 के भाव चल रहा है, 51,000 में कस्टमर आके बोल रहा है ओके। सो करंट मार्केट प्राइस में जैसे ही मैंने 51,000 का उसको कमिटमेंट दे दिया, या तो मैं 51,000 में उसको ज्वेलरी दूंगा, और या तो जो भी लोवेस्ट प्राइस रहेगा उससे मैं ज्वेलरी दूंगा। सो सिमिलरली जैसे ही मैंने 51,000 का उसको बुकिंग किया, सिमिलरली मैंने एक पुट ऑप्शन खरीद लिया 51,000 के भाव में, उसका प्रीमियम मैंने दिया है 510 रुपये, और 20 दिन बाद वो कस्टमर आता है। तो पहला सिनेरियो दिवाली पे हो सकता है भाव बढ़ गया 52,000 का, सो जैसा कि मैंने उनको उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 51,000 में दूंगा, सो मैं उसे 51,000 में मुझे गोल्ड दूंगा, और सिमिलरली मुझे जो लॉस हुआ है मुझे लॉस है सिर्फ प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम है 510 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 1% का लॉस। ज्वेलर के पास जो प्रीमियम मार्जिन होती है 8-16% मार्जिन होती है ज्वेलर्स की, तो उसमें मेरा 1% अगर प्रीमियम लॉस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैंने उसको 51,000 में खुशी खुशी दे दिया। सेकंड सिनेरियो, अब आपने तो ऊपर की तरफ दे दिया, लेकिन नीचे की तरफ क्या, नीचे की तरफ में दिवाली का भाव, दिवाली के समय भाव हो गया 50,000,
रिक्वेस्ट था 51,000 में बुकिंग किया था, सिमिलरली 50,000 भाव हो गया, तो आप उसे 50,000 में आप उसको ज्वेलरी देंगे. और आपका क्या सीन बनता है, आपने 51,000 में आपने जो खरीदा है, सो आपने ऑप्शन आपका इन द मनी हो गया पुट ऑप्शन, तो प्रीमियम हो गया आपका 51,000 कॉल स्ट्राइक. सो सिमिलरली पुट और प्रॉफिट जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 1,000 - 510 अप्रोक्सीमेटली 490 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, और साथ में पैरेलली आपका इन्वेंट्री का हेजिंग भी हो गया. सो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और सिमिलरली अब ये जो जैसे कि आप बता रहे हैं मैक्सिमम जो लॉस है, अगर भाव ऊपर चला था तो मैक्सिमम लॉस इज द ट्यून ऑफ प्रीमियम पेड ऑफ 510 रुपीज, एंड सिमिलरली जो जो लॉस है वो एप्रिसिएशन है, जो लॉस इज कंपनसेटेड बाय ऑपरेशन इन द प्रीमियम. अगर वो प्राइस नीचे आता है तो आपको इन्वेंट्री पे लॉस होता है, लेकिन सामने प्रीमियम जो बढ़ जाता है उसके सामने कंपनसेशन होता है. सो थैंक यू, जो भी आपकी क्वेरी से विल थ्रो ओपन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. एंड सिमिलरली इफ यू वांट द प्रेजेंटेशन, वी विल मेल यू द प्रेजेंटेशन एट pmtbullion@m6india.com एंड ओवर टू विशाल सर, एंड वी विल ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. विशाल जी, थैंक यू सो मच. एज सेशन हैव डिलेड, सो प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर इन 5 मिनट्स, बाय 2:30 वी हैव टू स्टार्ट द पैनल डिस्कशन. Sure, sure. Definitely. Thank you, Amarpal ji, for your wonderful presentation. Shivanshu ji as well. And Manoj ji will definitely start our panel discussion at 2:30 sharp. So before there are any question answers, I would request any members to raise their hands if a couple of them had the queries as well. We will try and put it across to Shivanshu ji and to Amarpal ji. In the meanwhile, while the people raise their hands for asking the questions, I could begin by asking a question to Shivanshu ji and Amarpal ji. We have heard that MCX bullion price is considered a domestic benchmark price. Can you elaborate on what constitutes the MCX prices and how does this price makes MCX an ideal platform for the hedgers? Ji haan, Vishal ji, very quickly I'll answer. Jaisa ki teen tarah ke maine baat ki thi, wo risk hai. Ek to international price movement ka, ek currency ka, aur teesra hai custom duty tariff ka. तो ये तीनों चीजें कवर्ड हैं. एमसीएक्स के प्राइस इंपोर्ट ड्यूटीज को अपने अंदर सम्मिलित करते हैं जबकि जीएसटी को नहीं करते हैं. तो जो ये तीन चीजों में जो भी फर्क आता है पार्टिसिपेशन लिक्विडिटी की वजह से, और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन मतलब फाइनेंशियल्स भी हैं, फिजिकल भी हैं, और स्पेकुलेटर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, तो उसकी वजह से बहुत सेंसिटिविटी रहती है. इमीडिएट मूवमेंट इसमें देखा जाता है और आप इसी तरीके से उसको हेज कर पाते हैं. इसके लिए ये और इंटरनेशनल कोरिलेशन जो अमरपाल ने बताया और डोमेस्टिक प्राइस कोरिलेशन दोनों 98-99% रहती हैं. सो आई थिंक दीज आर द ब्रॉड रीजंस के जो हेजिंग एफिशिएंसी है वो भी लेट 90s में रहती है. तो जो ज्वेलर्स को जिस भाव से ताल्लुक पड़ता है हर रोज वही भाव वो हेज कर पाते हैं और उसकी मूवमेंट का असर इन एमसीएक्स के रेट्स में देखा जाता है. थैंक्स. The floor is open for any questions which any member want to ask. We have another 4-5 minutes for the Q&A. So, agar kisi ke paas aur koi questions hai, to apna hand raise kar sakte hai, taki hum dekh sake ki kinko unmute karna hai. Please, hand raise ke ya fir chat option mein questions kijiye. MCX wouldn't start daily within a 15 days, twice in a month. Hello. Haan bolo. Hello. Myself Jigar Soni from Jewelers Association Ahmedabad. Oh, Mandal, Dusra Ji Mandal. Hello. Ji haan sir, aapka hello. Hello. Pacific Soni dal, Pacific Soni. Ji haan sir, Jigar Soni. Haan, bolo sir. Sir, MCX, why should we not start twice a time delivery? Yeah, dekhiye isme jahan tak SCRA jo act hai उसके अंडर जो डेफिनेशन फ्यूचर्स की परमिटेड है ऐसे तो वो 12 डेज के बियॉन्ड है कि 12 डेज के नीचे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. मगर फिलहाल हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या तो मंथली डिलीवरीज हैं या बाय मंथली हैं. इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिक्विड हैं उनके साथ अलाइंड है ये. और जहां तक आपका जो थीम है आप जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि डिलीवरी अगर कल को कोई सपोज इसके अंदर T0 या T1 के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ हो जाएं, तो एक तरह का स्पॉट जैसे हमारी डिलीवरी पीरियड में स्पॉट मार्केट की तरह बिहेवियर देखा जाता है 5 दिनों में, तो वो एक छोटी फ्रीक्वेंसी पे भी हो जाएगा. इस बारे में थॉट प्रोसेस तो जरूर चल रही है, बट दीज आर थिंग्स विच आर सब्जेक्ट टू फर्दर रेगुलेटरी अप्रूवल.
we'll keep you informed in case any good development happens on this side. Waiting for that. Thank you, sir. Because basically most of the wholesalers and retailers are looking for the premium side. Every day the premium in the local market will be changed. Even though within 3-2 hours we have to be seen that the premium will be changed. I don't know how. After hearing you from the premium side. Thank you so much. Anshu ji, hedging ke to bahut sare benefit hai, jaisa ki aap hamesha batate rehte hain ki cash flow management jo hai wo badhiya ho jata hai. Hedging is just like insurance aur डाउनसाइड जो रिस्क है वो प्राइस का प्रोटेक्शन हो जाता है. और उससे भी बड़ी बात जो अभी आप जी बिजनेस पे बोल रहे थे कि बैंक फाइनेंसेस भी जो होते हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक काफी तजुर्ब देते हैं इस चीजों को. तो आपसे ये मैं जानना चाह रहा था कि कुछ एक क्वेश्चन आए थे कि ये कैपिटल को कैसे सेव करता, हाउ इट्स हेल्प द ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल, एट द सेम टाइम जो वॉलेटिलिटी है उसमें कैसे मार्जिन सेफ होता है हेजिंग से. जी हाँ, देखिए पहला सवाल आपका यह है कैपिटल जो है आपका यूज केवल मार्जिन के लिमिट तक होता है. अगर आप फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप 6% के करीब में पोजीशन लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक नहीं होता है, विच मीन्स यू आर एबल टू यूटिलाइज दैट कैपिटल इन योर फिजिकल बिजनेस. और जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो आपने प्राइस की ले ली ऑलरेडी फ्यूचर्स में पोजीशन लेके. ये तो हुआ फ्यूचर्स. जहां तक ऑप्शंस का सवाल है वो इससे भी ज्यादा कैपिटल एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है. उसमें आप मार्जिन की जगह पे एक बार प्रीमियम देते हैं, लगभग आधा टका या 1% प्रीमियम होता है. आफ्टर गिविंग बाइंग दैट ऑप्शन विद दैट प्रीमियम यू आर टोटली इंश्योर्ड ऑन द डाउन साइड. आपने अपना भाव का जो गिरने का रिस्क है या बढ़ने का जो भी आपका रिस्क है वो आपने सुरक्षित कर लिया. और दूसरी साइड पे आप ओपन रहे तो अगर प्राइस बढ़ता गया तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो प्रॉफिट आपको मिलेगा. दैट इज लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी. इस वजह से आपका जो कैपिटल है वो फ्री रहता है. आधा टका या 0.25% पे आपने अपने आप को जोखिम को हमेशा के लिए नहीं मतलब उस टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल ही दूर कर दिया. इसके लिए वो कैपिटल फ्री रहा और प्रोटेक्शन मिल गई. ये फायदा रहता है. दूसरा ये फायदा रहता है कि जो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग आप कर सकते हैं पुट ऑप्शंस के द्वारा. अब जैसे ये दिवाली का सीजन है फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर कहता है कि मुझे आज से लेके दिवाली के दौरान जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो मुझे चाहिए आपसे, तो आप वो संभव कर पाते हैं. आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, 50,000 के पॉइंट पे वो आदमी आया था वॉक इन कस्टमर, उसके अगर भाव गया तो क्या आपको उसको देना है तो वो आप उसको दे पाएंगे. हिमांशु जी बीच में आपको रोकूंगा, थोड़ा सा एलिबरेट कीजिए इस पॉइंट को कि बहुत सारे जो मीडियम लेवल के ज्वेलर हैं वो हमसे कई बार पूछते हैं कि प्राइस कैसे फिक्स करके बड़े बड़े ज्वेलर पेपर में ऐड देते हैं कि सेम प्राइस में वो टिल एक महीना इसी प्राइस में गोल्ड दे सकेंगे. अगर नीचे जाएगा तो नीचे में जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड का भाव ऊपर हो जाएगा फिर भी वो उसी प्राइस में उनको डिलीवर कर सकेंगे. तो कुछ ज्वेलर्स कंफ्यूज होते हैं काफी कि हम कैसे कर सकते हैं इसको. थोड़ा इस पॉइंट को आप एकदम शॉर्ट में बता सके तो. बिल्कुल, देखिए पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि राइट टू सेल. आई हैव बॉट अ राइट टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस. अब 50,000 के प्रैक्टिकली समझाइए कि प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ज्वेलर ने ऑर्डर लिया तो कैसे. जी हाँ, सपोज 50,000 का भाव चल रहा है, आपके यहाँ कस्टमर वॉक इन होता है, वो कहता है आज और 15 दिन बाद दिवाली है, वो कहता है कि मैंने ये आपको एक सम ऑफ मनी दिया, मेरा ऑर्डर बुक कर लीजिए ज्वेलरी का, लेकिन अगर भाव 50,000 से नीचे गया तो मुझे वो भाव आप दे पाएंगे. आप कहते हैं जी हाँ मैं दे पाऊंगा. तो आप क्या करते हैं, आप MCX पे 50,000 की पुट खरीद लेते हैं. पुट का मतलब ये है जो आपने अगर प्रीमियम लेके पुट खरीदी, अगर तो वो भाव गिरेगा तो वो प्रीमियम बढ़ेगा. अगर उसका भाव गिरेगा तो जो चीज आपने खरीदी हुई है उसका भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो यानी कि आप नीचे की तरफ तो पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गए. अगर भाव 49,000 पे आता है ना, तो जो पुट आपने खरीदी थी फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 700 रुपए हो जाएगी. ओके,
तो आपको ये जो 200 रुपए नीचे गिरने का या जो भी आपका जो भाव गिरा है, आपका जो भाव गिरने का जो जोखिम है, वो पुट ऑप्शन ने आपको पूरा कर दिया अपने प्राइस को बढ़ा के। ओके, तो अगर भाव गिरा तो आपने अपने कस्टमर को वो भाव दे भी दिया तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, नंबर वन। अगर भाव बढ़ जाता है, भाव बढ़ भी सकता है राइट, तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपका सिर्फ एक तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गिना जाएगा, क्योंकि वो है ही कुछ नहीं, वो केवल आधा टका है, पौना टका है। मगर आपने इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने कस्टमर बेस को दे डाली इस आधे पौने टके से। अगर भाव गिरा तो आप अपने कस्टमर को वो भाव दे सकते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कस्टमर से कितना इंप्रूव हो गया, आपकी प्राइसिंग कितनी फ्लेक्सिबल बन गई। correct, correct. और आपने एक एडवर्टाइज कर दिया, आपने एक स्कीम निकाल दी, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम। जी जी जी, तो ये आप पुट ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताया शिवांशु जी आपने कि जब भाव बढ़ जाता है, काफी बढ़ रहा होता है, तो कस्टमर का अगर फुटफॉल कम हो रहा है तो इस तरह के स्कीम से ज्वेलर्स को काफी फायदा होगा। ओवर टू यू विशाल जी। थैंक यू शिवांशु जी, थैंक यू सो मच। विशाल जी, ओनली वन मिनट, काफी डिटेल में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए। अमरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वी विश ऑल द सक्सेस फॉर द इन्वेस्टर्स मीट व्हिच इज एक्चुअली एंडिंग टुडे इटसेल्फ, एंड आई एम श्योर देयर हैव बीन मेनी मेनी सच सेशंस व्हिच हैपेंड अराउंड द कंट्री एंड इन्वेस्टर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। नाउ वी वुड लाइक टू मूव ओवर। विशाल जी वन मिनट, विशाल जी जस्ट 30 seconds, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज। प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर देयर फीडबैक ऑन चैट बॉक्स एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर सेबी वीक, सेबी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। And secondly, anyone requires the PPT, so we will please give your request at pmtbullion@mcsindia.com, or please share your email ID so that we can share the PPT with you. Thank you. Thank you. Sure. Thank you, Amarpal ji, for informing us, because I think participants may kindly note that as a requirement from SEBI, it would be nice if you may kindly give the feedback about the presentation of today as part of the World Investors Meet. MCX would also like to post those feedback as to how people found this program and the participants, how they found this presentation. So please post in the chat message. Now we'd like to move on with the Labham session for today, which is focused on three topics. And I would like to invite once again Manoj Jha sir to kindly give a brief about introduction of all the speakers for today and also take the session ahead. Thank you, Vishal ji. Thank you so much. Once again, a very good afternoon to everyone. Today, our chairman have not joined just half an hour before. He got some emergency. That's why he's not able to join today. But he's always working with his board for the betterment of our industry. Aaj World Gold Council ke saath milke ye Labham program bhi hum kar rahe hain, aur always अदर एसोसिएशंस, अदर स्टेक होल्डर्स सबसे मिलके गवर्नमेंट से कंटिन्यूस हम कुछ ना कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे वो हॉलमार्किंग का इशू हो या ईबे बिल का इशू हो या फिर इंडस्ट्री में और भी कोई इशू हो, उन सब चीज़ को बेटर करने के लिए। और ये लाभम प्रोग्राम हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस्ट प्रैक्टिस को अपने इंडस्ट्री में सबको करने में हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, सो दैट के गवर्नमेंट के पास भी एक सही न्यूज जानी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि दिस इंडस्ट्री इज मोर एंड मोर कॉम्प्लायंट एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट आवर इंडस्ट्री इन अ बेटर वे। और आज का पैनल डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन टॉपिक्स हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ई इनवॉइसिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं और उस पर क्या अपडेट्स हैं, उसके लिए हम जानेंगे खास हमारे जो कंसल्टेंट हैं, भाविन मेहता जी, काफी रिनाउंड और काफी ये डी से और ये काफी प्रोमिनेंट स्पीकर जो बहुत अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए जाते हैं टैक्सेशन पे, हॉलमार्किंग पे, जीएसटी पे। जीजेसी के ये कंसल्टेंट हैं और इंडिया के बहुत सारे ज्वेलरी फर्म्स का के भी कंसल्टेंट हैं। इनका नॉलेज इतना अच्छा है जो इनके प्रेजेंटेशन पे हमेशा गवर्नमेंट भी इनके बातों को सुनती है, समझती है और उस पर हमेशा पॉजिटिव नोट देती है। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच भाविन मेहता जी हैं
और इनसे हम खास आज e-invoicing और hallmarking के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ज्वेलर्स से हेमल सोनी जी, ये फाउंडर हैं ज्वेलर्स.com से, लंदन से बिलोंग करते हैं, इंडिया में रहे हुए हैं काफी और 22 साल का ज्वेलरी 22 साल का इनका एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, और बेसिकली ये ट्रेडिशनल फैमिली ज्वेलर से बिलोंग करते हैं। और इनका जो काम है वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ सभी ज्वेलर्स अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दे सकें और बहुत स्मूथली पूरे वर्ल्ड वाइड फैला सकें। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम बहुत आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। फिर हमारे साथ जुड़े हैं विजय सोनी जी, खुद का इनका B2B का बिजनेस है, B2C का बिजनेस है, काफी लर्नेड हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं डिफरेंट सिटीज में, लास्ट 24 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, फैमिली ज्वेलर हैं, कम से 250 साल की पीढ़ी है इनकी। ये खुद भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, सालों में कहीं ना कहीं ये अपने आप को ट्रेन करते हैं अच्छे अच्छे कंसल्टेंट से, ट्रेनर से, और बहुत ही डायनामिक है, इनका नॉलेज काफी वास्ट है, इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे करें, ई इनवॉइसिंग के लिए प्रैक्टिकली ज्वेलर्स को क्या तकलीफ आ सकती है, क्या आ रही है। तो हम विजय सोनी जी से इस बारे में तो मेहता जोड़ी आपको बता दूं, बुनियल पैनल को में अपना काम बहुत बड़ा एक हेजिंग का जो है ना दौर स्टार्ट हुआ, जो शिवांता जी के ही मेहनत से इस चीज को आगे ले जाया गया है। उनका कहना है कि अगर हेजिंग कोई ज्वेलर नहीं करता है तो एक तरह का सुसाइडल अटेम्प्ट है, वो इंश्योरेंस है जो नहीं कर करता है। तो उनसे भी हम कुछ बातें जानना चाहेंगे कि व्हाई हेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ज्वेलर, और इन सब चीजों को हम जानने के लिए हम वापस इन लोगों के पास स्पीकर्स पे जाएंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो है वो भाविन मेहता जी से के लिए होगा। कैन यू पुट भाविन मेहता जी ऑन बोर्ड? सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। नहीं कोई बात, इट्स ऑल राइट। भाविन भाई, अभी बातें बहुत चल रही हैं कि पहले तो इनिशियली था कि ई इनवॉइसिंग जो है वो मोर देन 500 करोड़ के लिए रहेगा, और अभी डिफरेंट अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, कब से कभी हो रहा है कि सबके लिए हो जाएगा, कभी हो रहा है 100 करोड़ के लिए हो जाएगा। तो ये एक्चुअल इनवॉइसिंग है क्या, और ये क्या सबको लागू होगा, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना ध्यान देना चाहिए लोगों को, थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दोस्तों, अपन थोड़े बेसिक्स में जाएंगे कि ये ई इनवॉइसिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, 500 करोड़ से लेके कहां तक ये इसकी जर्नी हुई है, और उसके बाद हम वो भी समझेंगे कि ई इनवॉइसिंग किस किस को एप्लीकेबल है और आगे जाके इसके ऊपर क्या करना है। फ्रेंड्स, लेट अस सी व्हाट आर द डेवलपमेंट्स और चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस फ्रॉम 2019। दिसंबर 2019 में उन्होंने नोटिफिकेशन लाया था, जब टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अबाउट 100 करोड़ उनको ई इनवॉइस बनाना था ओनली फॉर B2B ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2020 से। उसके बाद इन मार्च 2020 जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई इनवॉइस को एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 कर दिया। अगेन इन जुलाई 2020 ड्यू टू लॉकडाउन द लिमिट ऑफ 100 करोड़ वाज एक्सटेंडेड टू 500 करोड़, मतलब 100 करोड़ की लिमिट को उन्होंने 500 करोड़ कर दिया। ऐसे हो गया कि अक्टूबर की डेडलाइन नजदीक आने लगी, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दे वर नॉट रेडी विद देयर सॉफ्टवेयर, सो उन्होंने एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया। वी विल सी व्हाट दैट वन टाइम रिलैक्सेशन इज। IRN जो होता है ई इनवॉइसिंग में, ऐसा होता है कि आपको पोर्टल पे जाके, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आपको एक इनवॉइस रेफर, एक IRN ऑब्टेन करना पड़ता है। तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दिया कि आप जब भी इनवॉइस बनाते हो उसके 30 दिन के अंदर आप IRN ऑब्टेन कर सकते हो।
So that relaxation was only for the month of October. We will see in the further slides how that relaxation is applicable. No such relaxation is available from 1st November. 1 November se koi relaxation nahi hai. And recently government has come out with a notification jo 500 crore ki limit hai usko fir se unhone 100 crore kar diya from 1st Jan 2021. If your turnover in any of the preceding financial year is above 100 crores, to aapko e-invoice applicable ho jayega. You will see on the screen, aap dekh sakte ho, there are 2-3 cutouts. Bhai, notification aa chuka hai ki 1 January se 100 crore ke upar it's applicable. Yes, Manojji. 88/2020 is the notification jisme unhone notify kar diya hai ke 1st January se 100 crores ke upar e-invoicing applicable ho jayega. Abhi agar aap screen dekhoge to left hand side mein there are some cutouts and even on the right hand side jahan pe the finance secretary Ajay Bhushan Pandey has declared that from 1st April 2021 e-invoicing will be applicable for all B2B transactions. Abhi 500 crore ki limit hai, jo 1st January se 100 crore kar rahe hai. April se they are planning that pan-India basis pe all B2B transactions, koi turnover ka criteria nahi rahega, aapko uske liye e-invoice banana padega. मतलब भाविन भाई इट्स अ बिग न्यूज अगर 1 lakh रुपए का भी किसी का टर्नओवर है B2B में करेक्ट तो B2B का इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा Right. तो इसका नोटिफिकेशन आने के कितने चांस हैं? बट इट्स न्यूज एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द B2B पीपल टू डू इट. करेक्ट. मैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूं तो ज्वेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर के लिए शायद ये बड़ा बात नहीं होगा एंड दे विल बी गेयर्ड अप एंड दे विल फाइन ट्यून देमसेल्फ. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द कारीगर्स, अगर आप मान लो जॉब वर्कर्स या कारीगर या आर्टिसंस की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बिकॉज इन अवर इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड इफ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल B2B ट्रांजेक्शंस फ्रॉम 1st अप्रैल दिस इज गोइंग टू बी अ रियल बिग चैलेंज फॉर अवर इंडस्ट्री. मन से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि इवन 1 lakh का भी ट्रांजेक्शन है उसको ई इनवॉइसिंग करना है. डेफिनेटली यस. थोड़ा मनोज भाई और आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी हाउ दिस 500 करोड़ इज एप्लीकेबल, देन आई विल जस्ट कम बैक टू यू ऑन दिस. सो से फॉर एग्जांपल देयर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज गुड्स सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2B ट्रांजेक्शन है या तो वो एक्सपोर्ट करता है, उसकी टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 17-18 से लेके कोई भी साल में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर गया है तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है फ्रॉम 1st October 2020. ये करंट प्रावधान है. यही 1st अक्टूबर का जो 500 करोड़ की लिमिट है 1st जनवरी से दे आर ब्रिंगिंग इट टू 100 करोड़. ये हो गया B2B ट्रांजेक्शंस. एट द सेम टाइम इवन B2C ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने कोई चेंजेस लाए हैं. If you are making any supplies or of goods or services to unregistered person, अगर आप रिटेलर हो और B2C सप्लाई होती है आपकी और अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है कोई भी पिछले साल में 17-18 से लेके, तो आपको एक QR कोड आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना है. दिस इज अ डायनामिक QR कोड एक होता है जो आपके इनवॉइस के ऊपर आपको कंपलसरी प्रिंट करना है. Now what is this dynamic QR code? Dynamic QR code is nothing but for the purpose of making digital payment. You have to print that dynamic QR code on your invoice. If your turnover is more than 500 crores from 1st December 2020, मतलब अभी दो दिन बाकी है, 1st December 2020 से ये प्रावधान एप्लीकेबल हो जाएगा. So Manoj bhai, for B2B e-invoice है और B2C अगर आपका turnover 500 crore के ऊपर है तो dynamic QR code है. ये लेकिन ये एप्लीकेबल हो जाएगा अभी तक आपको लगता है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री इस चीज के लिए रेडी है? या आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी. दे आर हैविंग भीम UPI है, बाद में QR कोड है, देयर बहुत सारे बैंक से उन्होंने टाई अप भी कर चुके हैं एंड स्पेशली माय क्लाइंटल, आई नो अबाउट माय क्लाइंटल, आई एम टेलिंग दैट दोज हु आर हैविंग टर्नओवर, द रिटेलर्स जिसके टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, उन्होंने ऑलरेडी ये प्रोविजन कर लिया है. ओके, तो ठीक है. या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये ई इनवॉइस एक्चुअली क्या है. इसमें बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस मिथ्स, ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या है. ई इनवॉइसिंग मींस रिपोर्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड GST डॉक्यूमेंट्स टू अ गवर्नमेंट पोर्टल एंड ऑब्टेनिंग अ रेफरेंस नंबर.
इसका मतलब ऐसा है कि आपको ई इनवॉइसिंग में जो भी स्पेसिफाइड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ ई इनवॉइस नहीं बनाना है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सरकार के पोर्टल पे जाना है, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके वो अपलोड करना है और आपको एक रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना है। यू डोंट हैव टू क्रिएट एन इनवॉइस ऑन द पोर्टल, आपको पोर्टल पे जाके इनवॉइस नहीं बनाना है, सिर्फ आपको वहां पे अपलोड करना है। बनाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप 500 करोड़ की लिमिट ये कैलकुलेट करते हो, वी नॉर्मली लुक एट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपन पीएनएल में देखते हैं कि मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, एंड ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड कि मेरा 500 करोड़ हुआ है या नहीं हुआ है। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान देखनी है कि 500 करोड़ पीएनएल के साथ आपको जितना स्टॉक ट्रांसफर हुआ है या ब्रांच ट्रांसफर हुआ है, वो भी आपको 500 करोड़ की लिमिट में एड हो जाएगा। The same will be applicable even for 100 crores from 1st of January. अगर आपको e-invoicing applicable है और आप e-invoice नहीं बनाते और manual invoice देते हो या hard copy देते हो, तो it will be treated that आपने invoice नहीं बनाया है, और अगर आपका माल पकड़ा जाता है या intercept होता है तो it is liable to confiscation. This is very important. Please remember. यानी कि अगर इनवॉइस नहीं करते हैं तो आपका जो ज्वेलरी या जो आप बिलिंग कर रहे हैं वो फेक है। सीधा सही लैंग्वेज में ये बताऊं कि आप फेक बिलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही माना जाएगा कि आपका गुड्स विदाउट इनवॉइस जा रहा है और इंटरसेप्ट हो गया, तो देन इट विल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। करेक्ट। एक चीज ये भी ध्यान में देखनी है कि अगर अभी आप जो इनवॉइस बनाते हो, तो आप तीन तीन कॉपी इनवॉइस की बनाते हो, ओरिजिनल, डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट। जब आप ई इनवॉइसिंग में आ जाओगे तो आपको ये तीन तीन कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओनली अ सिंगल कॉपी इज फाइन इनफ। एंड मे बी यू कैन इवन शो द क्यूआर कोड, अगर आपका रास्ते में माल पकड़ा जाता है, आप ऑफिसर को क्यूआर कोड दिखाओगे, वो लोग डीकोड कर देंगे, आपको फिजिकल कॉपी की भी आवश्यकता नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडर द एजम्पशन के ई इनवॉइस का मतलब मेरे को सिर्फ इनवॉइस बनाना है पोर्टल पे जाके, या इनवॉइस मुझे डिजिटाइज फॉर्म में बनाना है, बट देर आर मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको डिजिटली बनाने हैं। फर्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, बी टू बी इनवॉइस, बिजनेस टू गवर्नमेंट इनवॉइस, अगर आप कोई गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो तो उसके लिए भी आपको पोर्टल पे जाके रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना है। एक्सपोर्ट, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स आउट ऑफ द कंट्री, आपकी टर्न ओवर 500 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर है, तो भी आपको पोर्टल पे जाके इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना मैंडेटरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवर्स चार्ज इनवॉइस, अगर आप मान लो सिक्योरिटी की कोई सर्विसेज है या लॉयर की सर्विसेज आप अवेल करते हो, तो इन दिस केस आपको रिवर्स चार्ज की इनवॉइस बनवानी है, और वो भी आपको पोर्टल पे जाके अपलोड करके रेफरेंस नंबर लेना है। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। So what I want to drive the point over here is, it is not only e-invoice, but iske alawa debit note, credit note, RCM invoice, export ki invoice, is sab kuch jaake aapko portal pe upload karna hai aur reference number obtain karna hai. P2C invoice is exempt, so not to worry over there. The last thing is, if you are having a QR code jo aapke invoice ke upar hai, आपको फिजिकल कॉपी की आवश्यकता नहीं है, यू कैन शो दैट इन अ डिजिटाइज फॉर्म टू द ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल। द नेक्स्ट थिंग इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द स्पेशल प्रोसीजर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक्चुअली ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया था 1st अक्टूबर 2020 से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस और मे बी लॉकडाउन और पेंडेमिक, मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स के सॉफ्टवेयर रेडी नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उनको एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप इनवॉइस बना लीजिए, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको उसका IRN या रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर है जो अपना इनवॉइस बनाता है 7 अक्टूबर 2020 को, IRN has to be obtained within 30 days from the date of issue of invoice. 30 दिन के अंदर आपको एक रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना है। अगर 7 अक्टूबर को बनाया है तो 6 नवंबर तक आपको ये रेफरेंस नंबर मिल जाना चाहिए। And if the IRN is obtained by 6 November, then it is deemed that आपने इनवॉइस बनाया है। लेकिन अगर आप IRN ऑब्टेन नहीं करते हो तो
तो आपको पेनल्टी लगेगी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एज इफ आपने जो भी डिस्पैच किया है विदाउट इनवॉइस डिस्पैच किया हुआ है. दिस इज एज पर नोटिफिकेशन नंबर 73/2020 एंड देयर वाज अ प्रेस रिलीज इन सितंबर व्हिच वाज इशूड इन दिस रिगार्ड. बैक टू यू मनोज भाई, आई थिंक वी आर डन विद द इनवॉइस. इफ एनी क्वेश्चंस ऑन इनवॉइस आई एम रेडी टू आंसर राइट अवे. No, we will take question and answer after the time. Okay, Manoj bhai. Yeah, yeah. Not an issue. Bhavin bhai, thank you very much. ये बहुत ही important चीज है. Invoicing जो 1st of December से 500 करोड़ के turnover जो हैं उनके ऊपर, 1 जनवरी से 100 करोड़ के जो turnover है उनके ऊपर, और 1 अप्रैल से हो सकता है कि सबके ऊपर लागू हो जाए B2B transactions में. अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कभी हमारे पास इंटरनेट नहीं हो, कभी हमारे अकाउंटेंट नहीं आए हो, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. जीजेसी इसके लिए काफी मेहनत कर रही है, अपने प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भाविन भाई के मदद से दे रही है और इस चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे कारीगर्स हैं और जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो बड़ा क्या छोटा ट्रांजेक्शन में भी B2B में उनको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा. कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं फिर भी लैक ऑफ इंटरनेट और अकाउंटेंट और इन सब चीज़ों के वजह से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. लेकिन आप लोग सब इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए और अपडेटेड रहिए. प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है, मैं इसके लिए महावीर धनवर से, विजय सोनी जी हैं उनसे जानना चाहेंगे एज ए ज्वेलर, कि ट्रेड को इससे एक्चुअली कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आपको क्या लगता है इससे और ऑर्गेनाइज होगा बिजनेस, और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री हमारी रेडी है कि नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी इंडस्ट्री इस चीज को लेके रेडी है कि नहीं. उनके व्यूज जानना चाहेंगे प्रैक्टिकली फ्रॉम विजय सोनी जी. प्लीज टेक विजय सोनी जी ऑन ऑन द स्क्रीन. विजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, कैन यू स्पीक लाउडली. विजय भाई यू आर ऑन म्यूट. हाँ विजय भाई म्यूट पर तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आई थिंक ठीक से नहीं आ पा रही है. विजय भाई अभी 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 म्यूट पे अभी आ रही है आवाज. जी 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 आ रही है. हाँ कैमरा आपकी तरफ कर लीजिए प्लीज. हाँ जी हाँ जी. लॉग ऑफ कर दीजिए इसलिए बाउंस हो रही है. डन डन. दो सिस्टम से लॉग इन है तो एक सिस्टम लॉग ऑफ कर दीजिए प्लीज. हाँ या विजय भाई वी कैन हियर यू नाउ प्रॉपरली. हाँ सर. तो मैं बोल रहा था कि मनोज जी आप बहुत ही अच्छे से मॉडरेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अपना ये टॉपिक है जो आज का लिया गया है, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. और भविन भाई जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है ये बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हुई है जो कि जाननी चाहिए. बहुत ही स्पेसिफिक था, बहुत ही राइट था. और अगर बात करें अपने एज अ ज्वेलर B2B या B2C जो हम लोग करते हैं उसके पॉइंट से, तो गवर्नमेंट जो है वो उनका पॉइंट क्लियर है कि वो ई इनवॉइस लेके आएंगे, बिकॉज इससे क्या है जो डाटा है उनका वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा. आज कोई भी ज्वेलर है वो अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, तो ये ई इनवॉइस लाने के बाद जो डाटा पोस्ट करते हैं उनके पोर्टल पे, उसके द्वारा जो उनको डाटा मिलता है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है. और इसको काफी, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी देखा है जिसमें 4-5 जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज है जो इसको जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनके द्वारा जो बनाया गया है, तो काफी वो इसके अंदर डेस्परेट हैं कि भाई इनको उनको इसको अप्लाई करना ही है. अब अगर बात करें अपने चैलेंजेस की अपने लिए, तो जो छोटे जो होलसेलर्स हैं या जो कारीगर हैं उनके लिए इशू जरूर आएगा अभी, बिकॉज वो लोग इतना फ्रेंडली नहीं है, फेमिलियर नहीं है टेक्नोलॉजी से, और वो इस चीज को अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं एज अ टेक्नोलॉजी की, अपने किस तरह से पोर्टल में एंट्री करें, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली उनको काफी एजुकेट करना होगा और वहां चैलेंजेस जरूर आएंगी.
तो जो 100 करोड़ तक की जो बात है वो मेरे ख्याल से एप्लीकेबल हो जाएगा और सफल भी रहेगा शायद, बट उसके बाद जो सब पर अप्लाई होने वाला है 1 अप्रैल से, वहां डेफिनेटली चैलेंजेस आएगी। ओके, यानी कि इंडस्ट्री अभी हमारी रेडी नहीं है कि 1 अप्रैल से अगर ये इनवॉइसिंग का अगर हम जो नियम है वो B2B में भले हमारी इंडस्ट्री पे अगर लाया जाए तो। राइट राइट राइट, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने कई कारीगर से भी मैंने बात की, छोटे होलसेलर से भी मैंने बात की, और कई लोगों को तो इसका जानकारी भी नहीं है कि भाई ये ई इनवॉइस आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू विजय भाई, थैंक यू भाविन भाई ऑन दिस। आप लोगों को मैं फाइनली वापस ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये जो 100 करोड़ का नियम है वो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। जो 0 टर्नओवर है वहां से ऊपर, मतलब 1 रुपए का भी टर्नओवर है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो 1 अप्रैल से आने की बात है, ऐसा मीडिया में बात है, बहुत जगह चर्चा चल रही है, और भाविन भाई का ऐसा कहना है कि 1 अप्रैल से आ सकती है, और 1 अप्रैल से ना भी आए तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, गियर अप करना है कि अगर ये इनवॉइसिंग आ जाए तो आप अपने बिजनेस को कैसे उस को मैच करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर सके तो आपके जितने भी बिल हैं वो फेक माने जाएंगे, और फेक माने जाएंगे तो वो पूरा एक बिजनेस जो है वो 2 नंबर में चला जाएगा फ्रेंकली। तो उस चीज के लिए आपको गियर अप होना बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। कुछ भी रहे तो आप ई इनवॉइसिंग के बारे में वापस क्वेश्चंस भेज सकते हैं, भाविन भाई उसका आंसर जरूर देंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन बिजनेस एंड हॉलमार्किंग। से जाने से पहले मैं शिवांशु जी से एक क्विक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि शिवांशु जी, कैन यू पुट कैमरा ऑन शिवांशु जी प्लीज। यस सर बोलिए। शिवांशु जी, ऐसा छोटे शहरों में खासकर बी टायर और सी टायर सिटीज में ऐसा होता है जनरली कि लोग MCX में जाते हैं, मतलब MCX की चर्चा करते हैं या एक्सचेंज की चर्चा करते हैं, बुरा नहीं लगाइएगा, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये सट्टा का जगह है, इसमें स्पेकुलेशन होता है और इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं और ये नहीं करना चाहिए। जबकि आपके मुंह से मैंने कई बार सुना है कि अगर आप MCX में नहीं जाते हो तो वो एक स्पेकुलेशन है और उसमें आपके डूबने के ज्यादा चांस होंगे। तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे कि MCX में आना, उस पर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर है, तब आप स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं करते हो MCX पे तब आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, इस चीज को समझाएंगे। सो जो बाकी जो सीन है हमारे इंडस्ट्री में, इन लोगों को ये क्लियर हो कि MCX पे हेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज जो है कि लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग है अपने इंटीरियर्स में, आज की डेट में डब्बा ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उससे दूर रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बिकॉज वो एक तरह का ईविल है और रेगुलेटरी तौर पे उस पर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, आगे भी लेते जाएंगे। तो डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहें। फॉर्मल तरीके से हेजिंग करना तो एक सेबी का मैंडेट, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको NODR के तहत ये जरूरी होता है कि एनुअल रिपोर्ट्स में वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कौन सी एक्सचेंज पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट ऑल हैज टू बी डिक्लेयर्ड। तो जब इतनी सीरियसनेस है, और दूसरी चीज जो आपने सही कही कि हेजिंग ना करना एक तरह की स्पेक्यूलेशन है, बिकॉज देखिए आज की डेट में अक्सर ज्वेलर्स ये बात बोलते हैं कि जो ज्वेलरी की जो हमारी इन्वेंट्री है वो तो चलो है, उसको तो हम समझते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते हुए भाव में ये सोचना फिर भी ठीक हो सकता हो, मगर अगर कहीं करेक्शन आती है और करेक्शन से भाव करेक्ट होते होते 15-20% नीचे आ जाते हैं, तो ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं, हमें उसकी वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहिए। तो ये सब रीजंस हैं। हमारा बिजनेस कन्वर्जन का है। देखिए जैसे एक कॉपर में केबल बनाने का बिजनेस है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, क्या वो अगर कॉपर के अंदर मूवमेंट आ गई प्राइस में तो क्या वो प्रोटेक्टेड रह सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिमिलरली ज्वेलरी इज ऑल्सो अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आई वुड से। तो जब भाव गिरते हैं तो अक्सर हेजिंग की तरफ लोगों को आकर्षण होता है, बट मेरा ये कहना है कि ये सीजनल नहीं है,
इसे एक अपनी अकाउंट बुक्स का अहम हिस्सा बना के लगातार चलना चाहिए कि एक तरफ आपने रॉ मटेरियल को बुक किया इलेक्ट्रॉनिकली फेजेस में लिया काटते गए पोजीशन, दूसरी तरफ जब सेल किया तो फ्यूचर्स पोजीशन को ऑफसेट कर दिया। तीसरी चीज ऑप्शंस। ऑप्शन से क्या होता है कि आप प्रोटेक्ट भी हो गए एंड यू आर ओपन ऑन द प्रॉफिट साइड। तो इसके लिए ये हेजिंग ना करना जो है, फॉर एग्जांपल अगर इस कंट्री का जो टोटल गोल्ड का इंपोर्ट है अगर 600 टन है 700 टन है, तो अगर हम उस पे वॉलेटिलिटी जो है 19% इस साल की है, ओके, तो अगर 19% के हिसाब से आप देखें किसी का 1000 करोड़ का, किसी का बड़े ज्वेलर का टर्नओवर है तो 190 करोड़ पे आप ओपन रिस्क ले रहे हैं अनलेस यू डू अ प्रॉपर हेजिंग एक्टिविटी। हमें मतलब रहना चाहिए कन्वर्जन मार्जिन से, ना कि बेस प्राइस से, ये मेरा कहना है। तो ये शायद आपके सवाल का कुछ हद तक। और आप एक बार बता रहे थे कि अभी तक बहुत सारे लोगों को रियलाइज इसलिए हेजिंग का नहीं हुआ है कि गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहा है, कभी ये 50,000 का 30,000 हो गया तो कितने लोग मर जाएंगे और उस दिन लोगों को हेजिंग का इंपॉर्टेंस पता चलेगा इसलिए। और ये आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि शिवांशु जी के नेतृत्व में आज इंडिया में 15% अप्रोक्स जो ज्वेलर है वो हेजिंग कर रहे हैं और जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं खासकर कॉर्पोरेट ज्वेलर्स वो हेजिंग करते ही करते हैं। तो ये थैंक यू शिवांशु जी, आपने ये बताया कि दिस इज नॉट डब्बा ट्रेडिंग के लिए एमसीएक्स नहीं है, ये प्रॉपर हेजिंग के लिए है, लोगों को और सिस्टमेटिक और रिस्क से बाहर लाने के लिए है, उनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बना रहे उसके लिए। थैंक यू शिवांशु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हमारा जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, आज उसके लिए हमारे लिए चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमारे पास हैं हेमल सोनी जी और विजय भाई महावीर धनवर से। और हेमल सोनी जी जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, इनका टेक्नोलॉजी में आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी इनका पहचान है और मतलब खुद का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस है। और ये ज्वेलरी का जो ये ऑनलाइन बिजनेस है इसमें ये इसलिए हमको अच्छे से गाइड कर पाते हैं कि ये इनका खुद का भी फैमिली ज्वेलरी का बिजनेस था। तो जिस इंसान का खुद का ज्वेलरी का बिजनेस होता है और वो आईटी ट्रेंड होता है, इंजीनियर होता है, तो वो बेटर वे में इसको कर सकता है और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता है और हम सबको सपोर्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है। थैंक यू हेमल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके दुकानों में भीड़ लगी हुई है और बोलते हैं कि हमारा तो बिजनेस ऐसे ही चल रहा है सालों साल, हमारे दादाजी हमारे पिताजी के टाइम से चल रहा है और एवरीडे कस्टमर बढ़ रहे हैं, फुटफॉल बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ऑनलाइन बिजनेस में जाएं, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आज तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। प्लस वो सोचते हैं कि उसमें कहाँ घुसने जाएं, इतना मुश्किल है, इतना मेहनत है ऑनलाइन बिजनेस में, वो टेक्निकली इतना साउंड होना पड़ता है, तो उसमें क्यों दिमाग लगाएं, उतना दिमाग हम अपने बिजनेस में लगाएं तो और आगे चले जाएगा। लेकिन कोविड जो है, आज कोविड का सिचुएशन आया उसके बाद पूरी वर्ल्ड वाइड में सब कुछ चेंज हो गया, आज हर किस ऑनलाइन बिजनेस में आ रहा है, लेकिन स्टिल हमारे बहुत सारे ज्वेलर भाई हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट टू ऑल दिस फैमिली ज्वेलर ए ऑनलाइन बिजनेस। थैंक यू मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय जीजेसी, जो लाभम प्रोग्राम है, स्पेशली जो शिवांशु जी ने बताया द वे इज बेसिकली हेल्पिंग द ज्वेलर्स के हेजिंग से कैसे फायदा कर सकते हैं। भाविन जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि किस तरह से वी कैन प्रिपेयर वेल अहेड बिफोर वट एवर रूल कम्स। बट मैं व्यापारी मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि ये एक स्लाइड है मैंने आपके सामने रखा है जो आपको बेसिकली इजिली समझाएगा, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी, और जो जहां ग्रोथ होता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। बट दोस्तों अपॉर्चुनिटी के लिए उसके लिए कुछ एफर्ट भी लगाने पड़ती है, तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे तो वो एफर्ट को बेटर रिजल्ट देने के लिए है। यहाँ पे एक स्लाइड मैंने एक रखा है यहाँ पे कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2021 फ्रॉम इंडिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो फिगर्स है सारे, ये हमारी जो पॉपुलेशन स्पेकुलेटेड है बाय 2030, कितने घंटे लोग ऑनलाइन रहते हैं, कितने मोबाइल यूजर्स है, वो सब स्पेकुलेशन अर्ली 2020 के थे। बाय एंड ऑफ 2020 टुडेज लेटेस्ट स्पेकुलेशन इज इंडिया की 75% जनरेशन विच इज बिटवीन 16 to 49 वो ऑनलाइन होती है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और देखते हैं।
और उसमें भी चौंकाने वाली बात है, अर्बन से ज्यादा रूरल एक्टिव है, उल्टा है। जब हम बात करते हैं टायर वन सिटी की, बट एक्चुअली टायर टू टायर थ्री मे बी अगर फोर है तो टायर फोर उसके यूजर्स ज्यादा एक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग वो लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, बट वो ज्यादा एक्टिव है। और लास्ट ईयर और दिस ईयर के फिगर्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली साउथ एशिया पैसिफिक में अबाउट 6% ऑनलाइन ज्वेलरी बाइंग होती थी, विच हैज ग्रोन डबल इन 2020 और अप टू 2025 18% तक जा सकती है। सॉरी यानी कि आपका कहना है कि जो शहर में लोग हैं उससे ज्यादा गांव में और टू टायर और थ्री टायर जो स्मॉल टाउन्स हैं वहां लोग ऑनलाइन के पे ज्यादा हिट हो रहे हैं और ज्यादा उसको प्रिफर कर रहे हैं और उस बिजनेस को वहां पे ग्रोथ मिलने का ज्यादा चांस है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ज्वेलरी बिजनेस भी जो है वो 75% रूरल एरिया से आती है, यानी कि ज्वेलरी बिजनेस में भी अगर ऑनलाइन बिजनेस आया तो रूलर चूंकि 75% कंट्रीब्यूट करती है तो वहां के लोग पहले ज्वेलरी भी शायद खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। 75% में ऐसे लोगों की बात करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम एक स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, दोस्त बनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर एंगेजमेंट, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनके, सो दैट जर्नी स्टार्ट्स अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 20। तो दैट इज द अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी, अगर आप वो कंज्यूमर को पहले पहुंच पाते हो तो आपके लिए कस्टमर एक्विजिशन बहुत ईजी बन जाता है। और जैसे मनोज जी आपने बताया कि सबको लगता है बिजनेस चल रहा है, आई मीन एस्टेब्लिश्ड है, ये है वो, दैट इज ट्रू, बट फंडामेंटली जब आपके कस्टमर ऑनलाइन जाते हैं और जहां भी जाते हैं, इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी सर्च इंजिन, इट कुड बी एनीथिंग, और जब आप वहां पे नहीं मिलते हो आप मतलब आपका ब्रांड, तो वो कहीं और पे जाने की कोशिश करता है, कहीं और अपना सोल्यूशन प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करता है। और ये डाइवर्जन है जो आपने सालों साल बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, कस्टमर्स बनाए हैं, बट वो एक ऐसी जनरेशन है जो ऑनलाइन जाती है, जो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछती है कहाँ से लेना है, ये कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। जो चल रहा है वो चल रहा है, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कब तक चलेगा, और इसको चलाने में आप आज कंपेयर टू यस्टरडे, कंपेयर टू डे बिफोर यस्टरडे, आज कितनी मेहनत कर रहे हो वो आपको ही मालूम है। डे बाय डे टर्नओवर बढ़ाना पड़ता है और आपके मार्कअप्स कम हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन भी बढ़ रही है। तो फॉर मी टू से अच्छा चल रहा है, आई डोंट बिलीव दैट, बिकॉज अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है, उसके ऊपर हमको देखना चाहिए। क्योंकि ये फिगर्स जो है 2016 में जब इनिशियली जियो आया था तब डेटा रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था कि इंटरनेट इजीली अवेलेबल होना स्टार्ट हुआ और किसी को पता नहीं था 2020 में ये कोविड जैसी सिचुएशन आएगी और इतना सारा इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा। सो ये स्पेकुलेशन जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो कि बैक इन 2016 में अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ लोग ऑनलाइन रहते थे और बाय 2021 59% मतलब डबल हो जाएंगे, वो तो ये साल में ऑलरेडी हो चुके हैं कोविड के वजह से, ये ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। हाँ, ये स्पेकुलेशन 4 साल पहले हुआ था कि ऐसा होगा 2021 में। बट हेमल भाई, आपके किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे सुना था कि लोग पहले सोचते थे कि जूता कैसे खरीदेंगे, कपड़े कैसे खरीदेंगे, तो जब जूता और कपड़े लोग खरीद सकते हैं ऑनलाइन तो ज्वेलरी तो बहुत पहले खरीदेंगे। सर ये तो क्वेश्चन रहा ही नहीं है कि लोग खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, क्वेश्चन ये है कि आप कब बेचना शुरू करोगे, क्योंकि वो तो प्रूव करने की बात ही नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके चैलेंजेस होती है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो आई थिंक वो दिशा में सोच के आपका जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उसको प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा कैसे ले जा सकते, उस दिशा में हमको सोचना चाहिए। हेमंत भाई, मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। सेम क्वेश्चन मैं थोड़ा विजय भाई सोनी से भी लेना चाहूंगा कि वो फैमिली ज्वेलर हैं और ऑनलाइन बिजनेस में उनका अच्छा प्रेजेंस है, काम करते हैं, कि विजय भाई हाउ मच इज इम्पोर्टेंट फॉर ए फैमिली ज्वेलर टू गो ऑन ए ऑनलाइन बिजनेस। राइट, मनोज जी, हेमल जी ने बहुत सही तरीके से इसको रिप्लाई किया है कि आज की तारीख में आपको ये जानना होगा आपका कस्टमर है कहाँ। आज हम लोग यहाँ समझिए करीब करीब 250 साल पुराने हमारा ज्वेलरी में है हम लोग, और थर्ड जनरेशन के जो कस्टमर्स हैं हमारे, जो दादाजी जिनको डील करते थे उनके पोते आके पोतियां आके हमसे डील करती हैं, बट आज भी जब उनको कांटेक्ट करना होता है तो गूगल में जाकर के हमारा नंबर निकाल के कॉल करते हैं। आज भी वो लोग हमको बोलते हैं, बोलो भैया आपके वेबसाइट के ऊपर में सेट की डिजाइन नहीं है, हमें इस तरह का चोकर चाहिए। तो आज का कस्टमर पहले ऑनलाइन जा रहा है फिर ऑफलाइन आ रहा है। तो यू नीड टू, एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप फैमिली ज्वेलर हैं या नहीं है,
बट आपका प्रेजेंस जो है सबसे पहले आज की तारीख में ऑनलाइन में जरूर होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, मतलब आपका कहना है कि ऑनलाइन बिजनेस में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि टच एंड फील पे ही केवल बिजनेस होगा, वो दूर से भी फोटोग्राफी की इतनी अच्छी तरीके आ गए हैं, थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी होती है और लोग उसको वहीं से देख के, और एक बार और मैंने कहीं हेमल भाई आपसे सुना कि लोग कुछ टाइम बाद ट्रैफिक के इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को टाइमिंग का इतना कमी है, जो छोटी चीजों के लिए तो दुकान जाएंगे ही नहीं, वो ऑनलाइन ही बिजनेस आदि ऑर्डर बुक करेंगे और करना स्टार्ट कर दिया राधर आपने कहा था, और वो बिजनेस लोगों का शॉप से छोटे आइटम तो बिकने बंद होने शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जी हेमल भाई, ओवर टू यू। मैं मनोज जी एक चीज और बोलना चाहूंगा, हेमल जी। जी सर, जी सर। आप ये देखो आज की तारीख में बी टू बी के अंदर ज्वेलरी में सारा काम हो रहा है ऑनलाइन। जी जी, कस्टमर का खाली परसेप्शन की बात है, जहां कस्टमर का कॉन्फिडेंस आ गया और आपने ऐसा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, ऐसे जैसे आज शूज के अंदर उसको पता है कि अगर मैं नाइकी का शूज ले रहा हूं तो मुझे 7 नंबर आएगा, सेम अगर ज्वेलर्स के यहाँ अगर प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल अगर वो सेट कर लेता है अपना, तो बहुत इजिली डीलिंग्स पॉसिबल है। करेक्ट विजय जी, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बट ऐसी काफी कंपनीज है दोस्तों, मैं सारे व्यापारी मित्रों को वो ये बता रहा हूँ, अफकोर्स मैं नाम दे के बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात तो सबसे ही कर रहा हूँ। जी जी, के काफी ऐसी कंपनीज है उसको पता है कि एडवांस में पैसा दे के लेने वाले कस्टमर्स कौन है और आपसे पहले वो वहां पहुंच गया है, तो आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरी दुकान में भीड़ है और मेरे बाजार में भीड़ है, बट वो लोग पहले से ऐसे लोगों के पास पहुंच गए कि जो उनको एडवांस पैसा उनके, जैसे विजय जी ने बताया, विद द ट्रस्ट ऑफ द ब्रांड नेम, कि इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग ज्यादा है, इट्स नॉट अबाउट बार बार हर जगह पे दिखते हैं, इट्स अबाउट उन्होंने कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो जैसे विजय जी ने बताया, मनोज जी भी काफी सालों से बिजनेस में, बहुत सारे आप लोग प्रोबेबली 10, 15, 30 years, 50 years से बिजनेस में ऑलरेडी हो, तो आपको ब्रांड ट्रस्ट एस्टेब्लिश तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको उसको आगे लेके जाए, इतना सिंपल है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, समझ गया आपकी बात कि भाई ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस बहुत जरूरी है, फ्यूचर यही है, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस है, लेकिन बहुत लोग इसलिए भी उसमें नहीं आना चाहते, सोचते बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या ऐप बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज नहीं है हमारे पास, और फिर वो इतना कुछ करना पड़ेगा, कहाँ से करें, फोटोग्राफी करनी पड़ेगी और ये सब इतना हेडेक है, ये सब कौन करने जाएगा, उस हेडेक को की वजह से वो ऑनलाइन बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या ये इतना कठिन और कितना कठिन काम है या मुश्किल काम है कि ऑनलाइन बिजनेस में आना बहुत आसान काम है, और अगर आसान है तो कैसे आसान है? मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा इस बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज, टेक्नोलॉजी कोई काम डिफिकल्ट नहीं करता है, वो आपका काम इजी करने के लिए ही बनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा के काफी R&D करके काफी मेहनत करने के बाद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो टेक्नोलॉजी कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकती है, दैट्स एन इल्यूजन। वन सेकेंड, कि जो आप जो समझते हो कि ये जो नए नए रूल्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, वो आपको हेल्प कर रहा है आगे जाने में, फास्टर काम करने में। तो जैसे मनोज भी, मैंने यहाँ सिंपल एक स्लाइड रखा हुआ है कि फिजिकल टू डिजिटल जाने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा कोई फायदे बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि क्या इतना आसान है ये बिजनेस में आना और कैसे आसान है। ओके, आप अगर आपके मोबाइल फोन में देखेंगे तो कम से कम 150 एप्लीकेशन आप यूज करते हो, ये 150 में से कॉलिंग फोन और सेंडिंग SMS के सिवा आपको किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं सिखाया है। करेक्ट है, कोई भी चीज डिफिकल्ट क्या है ही नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग द इंटरेस्ट, समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, दैट्स इट, और उससे कुछ, बिकॉज लाइक आई सेड, टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू मेक थिंग्स इजीयर, तो वो इजी ही है। हाँ, समझने की जरूरत है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको किस तरह से यूज करें, बिकॉज हर एक स्पेसिफिक बिजनेस का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग एजेंडा होता है, और हर एक चीज हर जगह पे नहीं चलती है, तो वो समझना जरूरी होता है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंडस्ट्री में या कहीं पे भी ऐसा है, जैसे आपने मनोज जी स्पेसिफिकली बताया टच एंड फील, तो पहले तो टच एंड फील वो भी एक इल्यूजन हमने खुद ने, इंडस्ट्री वालों ने बनाया कि पहन के 10 बार देख के 4 जन को पूछ के, वो इल्यूजन है, वो एब्सोल्युटली एक मिथ है, ऐसा है ही नहीं। एग्जांपल, रियल एस्टेट जैसी एक इंडस्ट्री है जिसमें
आप प्रॉपर्टीज देखते हो, अब प्रॉपर्टीज की वैल्यू तो आपको पता ही होगा अकॉर्डिंग टू द सिटी। सस्ता महंगे की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, बट अगर एक बेडरूम दो बेडरूम मुंबई की बात करेंगे तो शायद करोड़ से स्टार्ट होता होगा और कहीं और वही चीज शायद 25 लाख के शुरू होती होगी। बट पॉइंट इज लोग ऑनलाइन देखते हैं, रिसर्च करते हैं और बुक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, देखने जाते हैं और अच्छा लगा तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज अगर एक बिल्डर फोटो दिखा के अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, अफकोर्स वो उसने कस्टमर को वहां बुलाया प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो जो गेन हुआ वो ये है कि उसको उसके घर पे अपना प्रोडक्ट दिखाया, उसको घर से चला के मतलब गाड़ी में ट्रेन में कैसे भी उठा के अपनी प्रॉपर्टी पे लेके आया और प्रॉपर्टी बेचा। यही करना है हमको, ऑनलाइन बेचना जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि वी हैव टू सेल ऑनलाइन। ऑनलाइन सेल करना वो तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, धीरे धीरे जैसे आप अपने स्टोर को गार्निश करेंगे, कस्टमर को हैप्पी रखेंगे, वो धीरे धीरे होगा। डे वन पहले दिन पे ज्वेलरी वहां बिकना, I'm not saying difficult or impossible, but it takes time. Secondly, एक बहुत अच्छी बात बताई थी हेमल भाई आपने, आपने कल एक बताया कि जो काम आप पहले 100 करोड़ पे लगा के जितना टर्नओवर करते थे ऑनलाइन में, वो 5 करोड़ में कर सकते हो, 3 करोड़ में कर सकते हो, राइट? वो मेरे समझ में नहीं आया कि वो कैसा बोला आपने कि भाई उतने कम पैसे में इतना ज्यादा टर्नओवर कर सकते हो, क्या कुछ फोटो लगा के 1 से 100 बिजनेस आ जाएंगे क्या आएंगे, वो थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? ब्रिलियंट क्वेश्चन मनोज जी। सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इज आप फोटो बेच के, फोटो दिखा के काम माल बेच सकते हो, इससे बेटर क्या हो सकता है? आपको फिजिकल स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं करना है। अगर आपके पास राइट सोर्स है, राइट प्रोडक्ट है, अगर आपको कस्टमर के साथ ट्रस्ट बना हुआ है, तो आप तो फोटो से काम कर सकते हो। तो करोड़ 2 करोड़ 500 करोड़ की तो बात ही नहीं है, विद जस्ट विद द फोटोग्राफ्स। काफी टेक्नोलॉजी के काफी आगे वर्जन है, ड्रॉप शिपिंग जैसे कॉन्सेप्ट है कि किसी का माल एक साथ 100-200 लोगों को दिखाओ, बिक गया और डायरेक्टली वो जो मैन्युफैक्चरर वो कस्टमर को बेचता है और आपका कमीशन आपको मिलता है। तो ऐसे भी बहुत एडवांस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज इट इज कॉल्ड डिजिटल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक नहीं दोस्तों। डिजिटल स्टॉक से भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और ऑनलाइन जाने से, जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन बेचना जरूरी नहीं है, बट आपका जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है आपकी फैमिली लेगेसी के ऊपर और आपके बच्चों को जो जनरेशन ने आपको देना है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसका फर्स्ट स्टेप है ये करना। अब ये करोगे तो ये होगा, अब ये सब ऑप्शन रहा ही नहीं, करना ही पड़ेगा। तो इससे करने से आपका कस्टमर डाइवर्ट कम होता है, नहीं होता है, नहीं कम होता है, तो वो आपका पोटेंशियल बेनिफिट ही हुआ। तो इसमें माल बेच के ही फायदा लेने की बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, इतना माल बिकेगा, इतना कम कैपिटल में बड़ा बिजनेस हो जाता है। करेक्ट। तो पहले दो पॉइंट ही वही है कि आपका कस्टमर डाइवर्ट कम होता है और आप डिजिटल स्टॉक से भी काम कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहूंगा मनोज जी, ऑलरेडी सारी इंडस्ट्री व्हाट्सएप के माध्यम से फोटोज भेज के ये कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा, सेम चीज मैं थोड़ा विजय भाई से भी जानना चाहूंगा। विजय भाई, आपको मैं कई, मेरे दो क्वेश्चन कंबाइंड है आपको, आप ढंग से सुनिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि आपको कई फेसबुक पे मैं देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, बहुत सारे जगह पे देखता हूँ कि आप अपनी ज्वेलरी को डिजिटली बहुत प्रमोट करते हैं और ऑनलाइन दिखाते हैं। तो मेरा दो क्वेश्चन है, क्या इससे आपको बेनिफिट होता है प्रैक्टिकली, एज ए ज्वेलर मैं पूछ रहा हूँ, क्या और इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? सेकेंड मेरा क्वेश्चन इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, हेमल भाई से भी यही जानना चाहूंगा मैं थोड़े देर में, सेम क्वेश्चन, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर इसको प्रमोट करते हैं तो आपकी डिजाइनिंग कॉपी हो जाएगी और वो डिजाइन कोई और बना के बेच देगा, ये डर नहीं रहता है क्या? दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपको बेनिफिट होता है कि नहीं, होता है तो कैसे होता है? अच्छा, पहले मनोज भाई मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा जो आपका हेमल जी से जो सवाल था, हाउ इट इज यू नो टू एंटर इनटू ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन सेल्स। So, इसमें क्या है, जो भी ज्वेलर्स इसमें आना चाहते हैं उनको सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। पहले आपको ऑनलाइन से दोस्ती करनी होगी, थोड़ा सा फैमिलियर होना होगा। इसके लिए आप डेली आधा घंटा एक घंटा डेडिकेटली इसको दीजिए। सेकेंड चीज है, आप जो भी 5-6 चैनल्स हैं ऑनलाइन के, उसमें से 1 या 2 चूज कर लीजिए पहले, और उस चैनल पे थोड़ा समय देना शुरू कीजिए, थोड़ी एक्सपर्टीज लीजिए, और उसके बाद 1 या 2 कुछ प्रोफेशनल्स हायर कीजिए लो बजट के, जो 10-15,000 के आसपास हो, बस 10-15,000 में मिल जाते हैं। यस, जो तो बहुत सस्ते हैं। बेसिक जो कोर्स करके आते हैं वो 10-15,000 रुपए लेते हैं। आपने डेडिकेटली बैठा दिया 3 महीने के लिए,
और उनको एक रजिस्टर दे दिया और उस रजिस्टर पे आप अपना डेली बेसिस पर उनसे अपडेट लेते रहिए, क्या ग्रोथ हुई क्या नहीं हुई, चार जगह से वेबसाइट का कोटेशन मंगाइए, अलग अलग जो आप टूल्स यूज कर सकते हैं उनके ऊपर कोटेशंस मंगाइए और बेबी स्टेप्स लीजिए पहले, तो आप देखेंगे धीरे धीरे विद इन मंथ और टू मंथ आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं आपका जो सवाल था मेरे से, क्या सवाल था, कैसे ये बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है और इसके लिए आप क्या करते हैं? सर बेनिफिट्स इसका जरूर है और बहुत है, क्योंकि आज का कस्टमर जो है वो ऑनलाइन, आपके ज्वेलरी बिजनेस में आपको इसका बेनिफिट मिला है? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है और आज भी मिल रहा है, और ये बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप जो मार्केट प्लेस है या जो जैसे टफ नहीं, आप क्या करते हैं स्टेप्स में बताइए, कोई ज्वेलरी आपको ऑनलाइन बेचनी होती है तो डिजिटली जो आप बेचते हैं तो क्या क्या करते हैं और क्या क्या ध्यान रखते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन जो है हमने jewelmantra.com स्टार्ट किया था 2013 में, तो हमने ये करीब उसको 4 साल हम लोग चलाए, उसके बाद रियलाइज किया कि भाई अगर ज्वेलमंत्रा को हमें अगर बड़ा करना है तो हमें इसमें बहुत ज्यादा पैसा डंप करना होगा, बहुत ज्यादा पैसा इसमें पुट करना होगा, तो वो हम उसको फिर हमने, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो डिजिटली फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चीजों पे ऑनलाइन जो बेचते हैं ज्वेलरी राइट नाउ, उसको कैसे करते हैं? मैं उसी पे बता रहा हूँ। अच्छा, जी जी। फाइनली हमने ये रियलाइज किया कि अपने अगर ऑनलाइन बेचते हैं अपना कुछ नया नाम लेके, उससे बेटर है कि अब अपने फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा या गूगल एडवर्ड द्वारा उस चीज को अगर सेल करते हैं तो बहुत कम कॉस्ट में अपने को अच्छी सेल मिल सकती है। तो हमने स्टार्टिंग में ज्वेलरी पोस्ट करनी शुरू की फेसबुक पर, इंस्टा पे, और वहां से कस्टमर्स के रेस्पॉन्स आने शुरू हुए। तो जो आपके फेसबुक पे ऑलरेडी जो आपके लाइक्स बने हुए हैं, फॉलोअर्स बने हुए हैं, उनको आपको हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए, और आप अच्छी डिजाइन वहां अगर पोस्ट करेंगे, कस्टमर का रेस्पॉन्स आता है, अब उनका आपको कॉल अच्छे से अटेंड करना है बिकॉज वो आपके लिए एक लीड है। अच्छा, उस लीड को हम लोग बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं और फाइनली हमें कन्वर्जन भी मिलता है। और आप एक बार बता रहे थे कि हमने कुछ 100-200 लोगों से स्टार्ट किया था, मतलब वो हमारे फॉलोअर थे, अभी कुछ लाखों में कितने हो गए ऐसे लोग फॉलोअर्स हो गए, ऐसा कुछ फिगर भी आप बता रहे थे? भाई अभी करीब करीब 30,000 के आसपास अपने फॉलोअर्स हैं, बट जो व्यूज होते हैं वो कुछ वीडियोस के हमारे व्यूज समझिए 3-4 लाख तक। करेक्ट करेक्ट, बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपका कहना यह है कि उससे हमारी ज्वेलरी बिकती है, जो हमारा स्टॉक है वो बहुत लोगों के पर रीच होती है और वो आपको बेनिफिट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको ये भी था कि ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपका डिजाइन जान जाते हैं और आपकी डिजाइन बहुत सारे कारीगर तक पहुंच जाती है? ये सेम क्वेश्चन मैं हेमल भाई आपसे भी पूछूंगा, और वो आपको उसका डर नहीं बना रहा था क्योंकि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फिर पता चला कि वो डिजाइन हर लोग के पास पहुंच गई लेकिन आपकी ज्वेलरी नहीं बिकी, ऐसा कुछ डर था नहीं रहता है क्या? डिजाइन्स का ऐसा है मनोज भाई, अगर मान लीजिए कोई अगर हमारा कंपटीटर देख रहा है, साथ में कस्टमर्स भी तो देख रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी हम कैसे मिस करें? वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए किसी को भी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी बहुत ही कोई अच्छी डिजाइन है जो आपने रिसेंटली लॉन्च की है और जो किसी और के यहाँ नहीं है, वो समझिए 2-3% ऐसी ज्वेलरी होती है, बाकी आपको 93-95% ज्वेलरी अपनी एक्सपोज कर देनी चाहिए बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। जो कस्टमर उसको देख के आपसे ज्वेलरी ले सकता है वहां आपको फोकस करना है, कॉम्पिटिटर देख के उसको कॉपी करेगा वहां से आप बाहर निकल जाइए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपकी कुछ ज्वेलरी जो है वो डेड स्टॉक में पड़ी रहती है और ऑनलाइन में डालते हैं तो वो उसका रिपीट ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है और डेड स्टॉक निकल भी जाता है, ऐसा भी कुछ मंत्र है क्या? बिल्कुल मंत्र है ऐसा। अगर आपका जो डेड स्टॉक है, सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सभी ज्वेलर्स भाइयों को कि अगर आपका एक्चुअली कुछ डेड स्टॉक है तो उसको या तो आप मेल्ट कर दें या उसको अच्छा बना लें, बिकॉज अगर आप कस्टमर को अगर वो ज्वेलरी दे देते हैं जो कि आपकी डेड स्टॉक है और अगर कस्टमर लेके जाता है और कोई भी उसको अप्रिशिएट, तो आप एक कस्टमर लूज कर रहे हैं, वो दोबारा आपके पास आना नहीं चाहेगा। तो डेड स्टॉक बोल के हम लोग कभी भी सेल नहीं करते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि वो
कॉपी का कुछ कॉपी हो जाएगी डिजाइनिंग और इस डर से बहुत लोग ऑनलाइन में नहीं आना चाहते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आई हेजिटेट मेनी टाइम, मुझे ये बोलने में मतलब बहुत डर लगता है, मैं पब्लिक में बोलूं कि नहीं बोलूं, बट एक हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है उन्होंने पब्लिक में बोल दिया है तो मैं भी बोलता हूँ कि वी आर अ स्टोर, वी कॉल इट शोरूम। शोरूम का मतलब ये होता है जो हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वही ज्यादा बिकता है। अब जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कैसे? रही बात कॉपी की, तो जैसे विजय जी ने बताया कॉपी करने वाले कॉपी करते ही रहेंगे, बट वी शुड फोकस ऑन पीपल हु आर बाइंग इट। यू नो कॉपी कितने लोग करेंगे? तो 400,000 लोग है ये इंडस्ट्री में, 400,000 बिजनेसेस है जो कॉपी कर सकते हैं, बट सर 130 करोड़ कस्टमर है। अब किसको देखना है? वो 400,000 को देखना है, 130 को देखना है? और जो उनका ट्रस्ट वैल्यू है, जो उनकी रेपुटेशन है, जो उनका सर्विस, जो संबंध बना हुआ है कस्टमर से, वो कोई कॉपी कैसे करेगा? वो कैसे कर सकता है कोई? सो द मैट व्हाट ही सेड इज वेरी ट्रू, पहले पहुंचो कस्टमर के पास और पहले बेच दो, बाकी देखा जाएगा। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो दिखता है वही ज्यादा बिकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जो झिझकता हूँ बोलने के लिए यही है, सर हम दिखाएंगे नहीं तो स्टोर में से म्यूजियम बन जाएंगे, तो म्यूजियम बनना है कि नहीं बनना है वो तो हमारे हाथ में है। हमको म्यूजियम नहीं करना है, हमको सर ज्वेलरी बेचनी है, अपना टर्नओवर बढ़ाना है, डिजाइन चेंज करती रहनी है। तो विजय जी ने वही किया है और उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने ये एंडोर्स भी कर दिया है कि करेक्ट। सर आपके नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहेंगे क्योंकि इसके बाद हमको हॉल मार्किंग पे भी जाना है। श्योर। और उसमें जानना चाहेंगे कि सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर कैसे बढ़ाएं और इंक्रीज कैसे करें सेल। जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं शेयर करता हूं। राइट, सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है और वेबसाइट बनेगा और एप्लीकेशन बनेगा और बहुत सारे, हमने तो बहुत बार सुना है, हम 4 साल से इंडस्ट्री में काम करते हैं, 90% लोगों को तो ऐसे ही लगता है ये सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज कर सकती है। तो अगेन, जैसे ऑनलाइन बेचना जरूरी है ऐसा एक मिथ है, ऐसा एक इल्यूजन है, वैसे ही एक और एक इल्यूजन है कि बहुत पैसा लगता है। जैसे विजय जी ने बताया, वेरी ट्रू, बैंग ऑन टारगेट, आधा घंटा देना है दिन का, जस्ट 30 मिनट्स पर डे। हम हमारे फिजिकल बिजनेस के लिए एटलीस्ट 10 घंटे सातों दिन देते हैं, मैं तो बहुत संडे को भी लोग काम करते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो अगर हम 10 घंटे 7 दिन के उसको दे सकते हैं, जो आपने दादाजी ने एस्टेब्लिश किया है, अपने फादर ने एस्टेब्लिश किया है, तो आपको तो ये नए बिजनेस के लिए सिर्फ 30 मिनट देने हैं, या आप खुद दे दो या किसी और को बिठा दो, जैसे उन्होंने बताया कि फाइंड ए राइट रिसोर्स, उसको बिठा दो और रिपोर्ट लेते रहो। सो 30 मिनट्स पर डे। और बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, बजट क्या होना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ कि हम व्यापारी लोग हैं सर, हम लोग खर्च की बात नहीं करते, अवर लैंग्वेज शुड बी इन्वेस्टमेंट, कि इसमें कितना इन्वेस्ट करने से कितना बेनिफिट मिलता है। तो यूजुअली एवरेज इन्वेस्टमेंट महीने का 1500 के आसपास होता है और आप एक रीजनेबल 1500 यस ओनली 1500 और आप एक रीजनेबल, आप गलत तो नहीं बोल रहे, सही बोल रहे ना, 1500 18,000 पर ईयर सिंपल, ओ 18,000 पर ईयर में सस्ता होता है ऑनलाइन बिजनेस करना। नहीं सर, ये बिजनेस हम वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मिथ है, जो इल्यूजन है, वही प्रॉब्लम है कि 1500 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से, दिन का 30 मिनट से, आप कितने करोड़ लोग तक पहुंच सकते हो, कितना लाखों का टर्नओवर बढ़ा सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है। वेरी सिंपल, आपको चाहिए तो आपकी फिजिकल दुकान काफी लोगों तक पहुंच सके, ऐसा एक वेबसाइट चाहिए विच इज कॉल्ड फंक्शनल एंड एंगेजिंग। वेबसाइट एक बिजनेस कार्ड की तरह पड़ा हुआ ऐसा वेबसाइट नहीं चाहिए कि हमारा एड्रेस यहाँ से ले लो और यहाँ हमारा दुकान है, वो नहीं है वेबसाइट। वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, आप कौन हो, आप कहाँ हो, कितने साल, वो सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल होने चाहिए जिससे ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है। वो ऐसा ही वेबसाइट होना चाहिए जहाँ आपका प्रोडक्ट लोग देख सकते हैं आपकी शॉप के आने से पहले, अगर दुकान बंद है या दूर रहते हैं या कुछ भी है, तो एक ऐसा कैटलॉग होना चाहिए जहाँ लोग ये सब आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और चाहे वो कोई भी डिवाइस यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप करते हैं, टैब करते हैं, तो टैब सब में अच्छी तरह से दिखे, ऐसा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे विजय जी ने बताया कि एक बंदे के पास रिपोर्ट लेना है, अब ये फिजिकल लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको एवरीथिंग, कितने लोगों ने देखा, कहाँ से देखा, क्या देखा, कितना टाइम स्पेंड किया, ये सारे इंफॉर्मेशन ये पैकेज में अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिक 5 चीज करने से यू आर गुड टू गो, स्टार्ट करना चाहिए स्ट्रेट अवे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने के बाद करना क्या होता है? तो आपका जो भी डेटा है, डेटा मीन्स आपके प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स, आपके कस्टमर्स का लिस्ट, आपके जो फेसबुक जो सोशल मीडिया की जो एक स्ट्रेटजी है, हर एक चीज को एक टाइम टेबल में रखना है, किसी को बिठाना है और रोज के 30 मिनट देके स्टार्ट करना है, इतना सिंपल है।
करेक्ट करेक्ट। तो ये जैसा कि हमने जाना, ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है और इसको हम आगे भी वापस लाभम के प्रोग्राम में लेंगे, लेकिन ये हमने जाना हेमल भाई से और विजय भाई से कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर यही है, और अगर इसमें आप नहीं आएंगे तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में खोएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने आती है, और टेक्नोलॉजी को अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो ये आपके काम को आसान करेगी, ना ही कि आपके कामों को ये मुश्किल करेगी। और फ्यूचर छोटे सामानों को ना बड़ा सामानों तक भी लोग ऑनलाइन ज्यादा खरीदेंगे, और टच एंड फील का जो कंसेप्ट है वो केवल एक कहने की बात है, वो हमने डेवलप किया है, वो लोगों को फ्यूचर में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और बहुत से बहुत रहे तो आप एक्सचेंज कर दोगे, वो चीजों को वापस लेके दूसरी दे दोगे, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये ऑनलाइन ज्वेलरी का बहुत, अभी मेरी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, ही वाज सेइंग कि हम लोग ज्वेलरी क्या हर चीज ऑनलाइन खरीदते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो घर आते आते रात के 10-11 बज जाते हैं, और फिर उनको याद आता है अरे ये गिफ्ट खरीदना था, ये देना था, और वो रात में ही अपना कहीं ना कहीं से रात में ही वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो, और या फिर शूज हो, कुछ भी हो, वाइफ हस्बैंड दोनों आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इस तरह से जब लोगों का समय कम होता चला जा रहा है और आपका स्टोर 24/7 365 डेज खोलना है, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस में आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो एक सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, ऐसा कहना है कि आप अपने आप को, अपने बिजनेस को सुसाइड के नौबत पे ले आएंगे अगले 5-7 साल में। और जैसा इन्होंने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस से जो है वो डबल हो गया है, और ये कोविड के वजह से शायद 3 गुना और 4 गुना बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो और इतना ही आसान है कि लोग 1500 रुपये महीने का खर्च करके भी ऑनलाइन बिजनेस में घुस सकते हैं। तो ये भी दिमाग में रखना बहुत गलत है कि बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल है। तो और इसके डिटेल के लिए और भी अगर आपको चाहिए तो हेमल भाई बताएंगे। हेमल भाई, हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, आप 2 मिनट में कुछ बताएंगे कि फाइनली अपना कुछ कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्री को। मैं फंडामेंटली सभी सभी व्यापारी मित्रों को एक स्ट्रांगली एक मैसेज देना चाहता हूं, जो हम इग्नोर करते हैं, कि अगर जैसे विजय जी का बिजनेस 250 साल पुराना है, किसी का 10 साल होगा, किसी का 50 साल होगा, किसी का एक्स नंबर ईयर्स होगा, व्यापारी मित्रों अगर आपका बिजनेस का नाम कोई भी है, जैन ज्वेल्स है, जिनेश्वर ज्वेल्स है, या जो भी है, उसका डोमेन लेना जरूरी है। फिजिकल एड्रेस आप बार बार बदल सकते हो, ऑनलाइन एड्रेस बार बार नहीं बदल सकते हो। तो आज के ये सेशन का एसेंस यही है, आपका बिजनेस का जो भी नाम है उसका डोमेन लेना जरूरी है। मैं जीजेसी का ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिजल्ट, उसका एसेंस यही है। अगर आप आपका डोमेन भी सिक्योर कर लेते हो तो जब भी आपका मन चाहेगा आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, और आपकी ब्रांड आपकी जनरेशन को आगे तक लेके जा सकते हो। अगर डोमेन कैसा बाय करना होता है, जनरली आपके बिजनेस नाम का सिमिलर, जैसे कामक्या ज्वेल्स है तो kamakyajewels.com, तो मनोज जी का वो डोमेन है, विजय जी का जैसे ज्वेल मंत्रा एक अलग नाम से उन्होंने बताया कि लोग याद रख सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, बट डोमेन लेना जरूरी है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। हेमल भाई की इस बात में मैं आप लोग को एक और मैसेज देना चाहूंगा कि आपके दुकान का नाम अगर किसी और ने डोमेन रजिस्टर कर लिया है तो फ्यूचर में शायद आपको बहुत बड़ा पैसा चुकता करके उसको देख के वो डोमेन लेना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं ले पाए तो आपके दुकान के नाम पे कोई और बिजनेस कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं लीगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला, पहले आप अपने ब्रांड का डोमेन जितना जल्द से जल्द हो आप बुक कर ले, भले ऑनलाइन बिजनेस आप थोड़े दिन बाद ही चालू करें। और लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा विजय भाई कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की प्लानिंग और ये सब चीजें अब इमीडिएटली आपकी शॉप कर रही है, या आपको आपके माध्यम से बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि क्या तैयारी इमीडिएटली करनी चाहिए और क्या प्लान्स होने चाहिए एज ए ज्वेलर। सर सही बोला आपने, डोमेन लेना बहुत जरूरी है, और आप अपने नाम का डोमेन लीजिए और उसको एज अर्ली मतलब आज की तारीख में ही उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। और सेकेंड चीज है, आपको बहुत कम पैसे में लैंडिंग पेज बनता है, और करीब करीब शायद 5-10,000 रुपीज लगते हैं, आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए महावीर डामर ज्वेलर्स है, तो महावीर डामर ज्वेलर्स का एक पेज क्रिएट हो जाएगा, उस एक पेज पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, और
पास्ट 7 ईयर्स में मेरी काफी लर्निंग रही है, मैंने बहुत समय दिया इसको, तो किसी भी भाई को अगर मेरे से इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दैट। थैंक यू विजय भाई, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतना हमेशा इंडस्ट्री में कभी भी किसी को कोई भी हेल्प करना हो तो हमेशा आप सामने रहते हैं, थैंक यू सो मच। हम बहुत लेट हो चुके हैं, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग में रोज नए नए चीजें आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं और अभी भी लोग जो है वो हॉलमार्किंग को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं क्योंकि हमेशा नई चीजें आ रही हैं, नए डेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए मैं भाविन मेहता जी से पूछूंगा और उनको बोलूंगा भी कि वो बताएं इस चीज को कि पहला तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर वो सबको जरूरी है क्या, वो BIS रजिस्ट्रेशन सबके सबको कराना है क्या, और हॉलमार्किंग किसके ऊपर लागू होता है, रिटेलर के ऊपर केवल लागू होता है कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी लागू होता है, और इसके ऊपर क्या एम्बिग्युटी और क्या लास्ट डेट्स हैं, सब क्वेश्चन एक साथ में पूछ रहा हूँ, क्या लास्ट डेट्स हैं, क्या कैरेटेज गवर्नमेंट ने अभी तक अलाउ किए हैं, और कंपलसरी हॉलमार्किंग कब से हो गई है, और अगर नहीं करा पाते हैं तो इसके क्या पेनल्टीज हैं, मैं इस चीज को जानना चाहूंगा। इसके बाद आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा भाविन भाई। ओके मनोज भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे बी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इसके ऊपर काफी चर्चा रही है कि वेदर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर जो ज्वेलरी रिटेल ज्वेलर को बेचते हैं उसमें BIS रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए। BIS का एक FAQ है, उन्होंने एक FAQ दिया हुआ है, उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है, एनी ज्वेलर और रिटेलर सेलिंग ज्वेलरी टू द कंज्यूमर शिल हैव टू रजिस्टर। ये एक एक वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एनी ज्वेलर और रिटेलर सेलिंग ज्वेलरी टू द कंज्यूमर शैल हैव टू रजिस्टर विद द BRS एंड सेल हॉलमार्क ज्वेलरी थ्रू सर्टिफाइड रिटेल आउटलेट्स ओनली आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग। भाविन भाई मैं बीच में रोकूंगा, आपने बोला सेलिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर ज्वेलर को भी कंज्यूमर बोलते हैं कि एंड कस्टमर जो होता है केवल उसको कंज्यूमर बोलते हैं, B2B वाले को भी कंज्यूमर बोलेंगे? Yes, yes. So what we do is, हम लोग हर एक वर्ड का जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है वो सबके अपन डेफिनेशन देखते हैं जो BIS एक्ट में दी गई है एंड देन विल कम टू दैट कंक्लूजन। सबसे पहले तो हमने ज्वेलर की डेफिनेशन जो दी है सेक्शन 219 ऑफ द BIS एक्ट, जिसमें लिखा गया है ज्वेलर मींस अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस टू गेट मैन्युफैक्चर्ड प्रेशियस मेटल आर्टिकल फॉर सेल और टू सेल प्रेशियस मेटल आर्टिकल। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई ज्वेलर है वो कहीं बाहर से ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करा के बेचेगा या तो ट्रेडिंग करेगा, उसे ज्वेलर माना जाएगा। उसके बाद सेल की डेफिनेशन दी गई है, सेल मींस टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट, हायर, लीज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आर्टिकल, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विस फॉर एनी कंसीडरेशन फॉर कमर्शियल पर्पस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर, तो वहां पे उन्होंने बताया गया है कंज्यूमर मींस अ पर्सन हु इज डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई कंज्यूमर उसको माना जाएगा हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर कामाख्या ज्वेल्स अगर उसकी ज्वेलरी सेंको को बेच रहा है जो आगे कंज्यूमर को बेचने वाला है या रीसेल करने वाला है, तो इन दैट केस ही विल बी आउट ऑफ द डेफिनेशन, या तो कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन द डेफिनेशन और मे बी द FAQ का, इसका कहने का मतलब ये हो गया। सो कैन वी कंक्लूड दैट द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर आउट ऑफ हॉलमार्किंग? This is what the FAQ is saying. But as you move to the section, अगर हम लोग section में जाएंगे तो वहाँ पे section 15 है. Section 15 में specific प्रावधान दिया गया है कि no person shall import, distribute, sell, store, exhibit for sale any goods or articles under subsection under section 14(1) of the Act. FAQ is saying कि अगर resale हो रहा है तो फिर वो consumer नहीं माना जाएगा. Section 15 बोल रहा है कि no person shall import, distribute, sell or store. स्टोरिंग में तो आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, आप BVC या लॉजिस्टिक्स, BVC या सीक्वल ले लीजिए, जिनके पास वॉल्ट्स होते हैं वो लोग भी स्टोर करते हैं। तो या कैन वी से कि इवन BVC एंड सीक्वल इज गोइंग टू टेक अ नंबर अंडर हॉलमार्किंग?
तो ये एक एम्बिग्यूटी बन के आ रही है कि वेदर द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर शुड टेक अ रजिस्ट्रेशन और नॉट, और इट इज ओनली द रिटेलर्स हु हैव टू टेक अ बीआईएस रजिस्ट्रेशन. द सेक्शन इज सेइंग समथिंग एल्स, द एफएक्यू इज सेइंग समथिंग एल्स. हम लोग जीजीएससी से काफी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी पता है मनोज जी, एंड वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेइंग कि यू प्लीज कम आउट विद अ क्लैरिटी ऑन दिस कि वेदर द होलसेलर्स और द मैन्युफैक्चरर्स दे नीड टू टेक अ बीआईएस रजिस्ट्रेशन और इट इज ओनली द रिटेलर्स हु इज सेलिंग देयर गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर जिसको नंबर लेने की आवश्यकता है. मनोज भाई बैक टू यू. करेक्ट करेक्ट. अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछना था कि ये बार बार अभी चैट में भी मैं देख रहा था कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है, कभी होता है इतने दिनों के लिए एक्सटेंड हो गया है. तो अगर ये एक्सटेंड हो गया है 6 महीने के लिए, आज मैं 12 कैरेट की ज्वेलरी बेच सकता हूँ या 14-20 कैरेट की ज्वेलरी बेच सकता हूँ, 6 महीने तक प्रोडक्शन कर सकता हूँ और ये जब तक लागू नहीं हुआ है, और इस तरह के काम कर सकता हूँ, 10 कैरेट की ज्वेलरी बेच सकता हूँ क्या? See, currently, if you ask me, the answer is yes. आज आप चाहो तो जब तक hallmarking mandatory नहीं हुआ है, आप ये कर सकते हो कि you can sell even of any caratage, but without hallmarking. आज आप मान लो कि 10 कैरेट का माल बेचो या 23 कैरेट का माल बेचो without hallmarking, you can sell even today because hallmarking is not mandatory. But once hallmarking becomes mandatory from 1st of June, उसके बाद ये शायद नहीं possible होगा. Only 14, 18 and 22 कैरेट ही आप बेच सकते हो. तो जो ज्वेलरी मेरे पास 10 कैरेट या 20 कैरेट की बच जाएगी इन दिनों जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो जो बच जाएगी वो हमें मेल्ट कर देनी होगी या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, यू विल हैव टू मेल्ट दैट ज्वेलरी, यू हैव टू मेल्ट इट एंड यू हैव टू अगेन बिकम अ फ्रेश ज्वेलरी. आपको उसमें से 14, 18 एंड 22 कैरेट का बना के ही बेचना होगा. अच्छा, तो वो हमको मेल्ट ही कर देना होगा, इसलिए हम ज्यादा ज्वेलरी 14, 18 और 22 के अलावा कर नहीं सकते, बना नहीं सकते अभी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा, ऐसी बार बार बातें आ रही है कि ये जो है और एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होगा, और कभी कोई कोई बोलते हैं कि लागू ही नहीं होगा. तो एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ये और भी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं और कभी लागू ही नहीं होगा हॉलमार्किंग? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, द गवर्नमेंट इज वेरी मच डिटरमाइंड टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम 1st of June. हम लोगों ने जीजीएससी के तहत भी प्रेजेंटेशन किया गया है कि और इसको 6 महीना डेट बढ़ा दी जाए, बिकॉज ड्यू टू पैंडेमिक ये शायद इतना स्टॉक बिका नहीं है, प्लस रीमेल्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, इट इज इवन एन एक्सपेंसिव अफेयर, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. सो वी हैव मेड अ प्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट दैट एटलीस्ट यू एक्सटेंडेड बाय अनदर 6 months. बट द गवर्नमेंट इज वेरी मच डिटरमाइंड, द वे नए नए कानून आ रहे हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का पोर्टल किया है, या वो लोग BIS की ऐप बना रहे हैं या पोर्टल नया लेके आ रहे हैं, इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इज वेरी मच डिटरमाइंड एंड दे आर रेडी टू ब्रिंग इट फ्रॉम 1st of June 2021. करेक्ट. अच्छा भाविन भाई, कोई ज्वेलर है, कोई कस्टमर है और वो ज्वेलर्स के पास आता है 1st of June के बाद, और उसके पास कोई समझो 23 कैरेट की ज्वेलरी है और वो बोलता है नहीं अभी ये छोट 23 कैरेट की ज्वेलरी है उसको बड़ा करना है और मेरे को 12 कैरेट में बना के दे दो, और वो कस्टमर बोलता है हमारी गोल्ड में बना के दे दो, हमें दे दो, आपको क्या करना है, हमको तो हमें तो सब मालूम है कि हम ये 12 कैरेट की ज्वेलरी बना सकते हैं और ये तो जॉब वर्क है आपकी, आपका गोल्ड में तो आप बेच नहीं रहे हो, तो क्या वहां पे क्या सीन क्रिएट होता है, क्या वो ज्वेलर कर सकता है और कर रहा है तो वो क्या गलत है और वो फंस सकता है इन सब चीजों में क्या? Yeah, yeah, a very good question. I think if you go to the hallmarking order, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है the hallmarking order is applicable to jewelers who is selling the gold jewelry. Consumer आपके पास कोई भी carat की jewelry लेके आ सकता है फिर से बेचने के लिए, वो 10 carat, 23 carat, कोई भी carat का माल ले सकता है, but jeweler भले उसमें hallmarking अपना job work करे, he will have to melt the jewelry और जो नवी jewelry बनेगी उसी 14, 18 and 22 carat की ही बनेगी और जिसके ऊपर hallmark होगा. So even if it is a job work transaction, my opinion is जो नवी ज्वेलरी बनेगी वो 14, 18 और 22 कैरेट की ही बननी चाहिए. मतलब कस्टमर अगर कितना भी इंसिस्ट करे कि वो मुझे ही देना है, मेरे ही गोल्ड का है, आपको क्या करना है, तो वो फिर भी वो कोई ज्वेलर बना के नहीं दे सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कभी कभी कोई कस्टमर है वो कहीं और से 5-10 साल पुरानी ज्वेलरी लेके आया और फिर उसका कुछ शायद रिपेयरिंग हो या पीछे का चेन लगाना हो, बैक चेन लगाना हो या कोई थोड़ी सी छोटी सी चीज उसके ऊपर बनानी हो, अब वो पहले की ज्वेलरी 20 कैरेट में बनी हुई है, अब उसको जो छोटा सा पार्ट कुछ रिपेयर करना है, सोल्डर करना है,
तो उसके लिए कैसे होगा? वो 20 कैरेट की ज्वेलरी में हम क्या 22 लगानी पड़ेगी, 18 लगानी पड़ेगी कि हम 20 का उसको रिपेयर करके दे सकते हैं? Yeah, this was one of the question which we had even asked to the BIS. हम लोगों ने hallmarking department को भी ये question पूछा गया था और हमें वहाँ से reply मिला है that the issue of repairing and alteration is not under the purview of BIS. ये हमारे jurisdiction में नहीं आता है. But if you ask me personally, in case of repairing, अगर कोई detachable part है और वो part अगर आप उसमें attach करते हो, तो वो part के ऊपर 14, 18 या 22 carat का ही होना चाहिए और hallmarking होना चाहिए. कहना ऐसा है कि हमने ही पहले 20 कैरेट की ज्वेलरी बेची है और आज वो कस्टमर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नहीं ये 20 कैरेट की ज्वेलरी है, नेकलेस ऐसा है, चेन जो है आपका वो चेंज करना है, वो हम 22 कैरेट का ही करेंगे और वो 20 कैरेट का नहीं कर सकते. उसमें अगर सिर्फ पार्ट मान लो कि उसमें लॉक डालना है या वो चेन रिपेयरिंग करना है, एग्जांपल रिपेयरिंग करना है जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. Correct. So if that part is detachable, अगर वो पार्ट सेपरेट हो रहा है और वो पार्ट अगर आप अटैच कर रहे हो तो मेरे अनुसार वो 14, 18 या 22 कैरेट का ही होना चाहिए. ओहो, तो यानी कि एक ही ज्वेलरी में जो है वो दो अलग अलग कैरेटेज का हो जाएगा. हो जाएगा, यस. ये बहुत डिफिकल्ट काम है और इसमें we had asked, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उनको भी पूछा था कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा पेचीदा सा सवाल है. उन्होंने हमको रिप्लाई दिया है दैट द रिपेयरिंग एंड ऑल्टरेशन इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ बीआईएस, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस. बट आई फील गोइंग बाय द प्रोविजंस, यस, इफ द पार्ट इज डिटैचेबल इट शुड बी हैविंग अ हॉलमार्किंग और उसके ऊपर 14, 18 एंड 22 कैरेट. ओह, अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन पूछना था कि ये डिक्लेरेशन ऑफ जो स्टॉक है वो कब करना है, कैसे करना है और कैसे होना चाहिए, क्या सिस्टम है उसका, और अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया स्टॉक तो उसका क्या हमारे ऊपर इंपैक्ट आएगा फ्यूचर में? करेक्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते आ रहा है कि डू वी हैव टू मेंटेन स्टॉक इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट अंडर द बीआईएस? क्या बीआईएस के एक्ट या कानून में ऐसा लिखा गया है कि आपको स्टॉक मेंटेन करना है? द आंसर इज द बीआईएस एक्ट इज ओनली कंसर्न्ड विद द प्योरिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो बीआईएस की पूरी कानून बनी है वो प्योरिटी और क्वालिटी के ऊपर फोकस है, कहीं पे भी मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक के ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया है. और अगर नहीं किया गया है तो ये क्वेश्चन क्यों बन के आ रहा है कि हमें स्टॉक डिक्लेयर करना होगा, कैसे करना होगा? देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, रेगुलेशन 6(1) ऑफ बीआईएस रेगुलेशन एक्ट 2018 में दिया गया है कि जब आप रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए जाते हो तो आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है जिसमें आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है कि आपने लास्ट 5 साल में कितनी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट जो भी है आपने हॉलमार्किंग को दी है, quantity should be in pieces and the quantity should be in weight. उसके बाद आपने कितना माल बेचा है, हॉलमार्क कितनी ज्वेलरी बेची है. एक सेकंड, बीच में रोकूंगा आपको. लास्ट 5 साल का अगर रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास कि हमने क्या बेचा है और क्या हमने हॉलमार्क कराया है, क्योंकि हम तो बस इतने सालों से बस भेजा हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट से हॉलमार्क आके, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा और भेज डाला, आधे हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचे, आधे विदाउट हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचे, तो 5 साल का रिकॉर्ड जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा सर? तो फिर वो रिन्यूअल नहीं होगा. इक्वली ये जो रिन्यूअल सर्टिफिकेट में जो फॉर्म 3 भरना है उसमें आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी. सो फॉर टू फिल दैट डिटेल्स यू डेफिनेटली नीड टू हैव दैट रिकॉर्ड्स व्हिच सेज दैट हाउ मेनी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस एंड वेट यू हैव सेंट फॉर हॉलमार्किंग और कितना आपने हॉलमार्किंग वाला माल बेचा हुआ है. और नहीं होने पे फिर क्या होगा? तो सर रिन्यूअल नहीं होगा, वो रिन्यूअल सर्टिफिकेट में इशू हो जाएगा आपका. और अगर रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो फिर इट इज एज गुड एज यू डोंट हैव अ रजिस्ट्रेशन एंड यू कैन नॉट सेल द ज्वेलरी. यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जिसको नोट करना बहुत जरूरी है कि आप जो भी हॉलमार्क ज्वेलरी भी बेच रहे हो और हॉलमार्किंग करा रहे हो, एटलीस्ट अभी का तो हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल सर जी. नेक्स्ट. या सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैड टू से फॉर अबाउट द जो भी पेंडिंग इश्यूज है. दो चीज थे कि पहले तो रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, are they out of the purview of hallmarking or still they have to take registration? Is it only the retailer who has to take the registration or all the participants? So FAQ is saying something else, the act is saying something else. The ambiguity ke liye hum log ne presentation kiya hua hai and we are still fighting for that. The second was ke as far as the stock declaration is concerned, ke stock kisi ko declare karna hai ya BIS ko stock dena hai. The answer is BIS is not concerned with the stock. लेकिन जब आप renewal के लिए जाओगे तो आपको आपकी stock ऐसे maintain करनी पड़ेगी कि आप ये details easily दे सको at the time of renewal.
ओल्ड व्यू मनोज भाई, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, एनी क्वेश्चंस वी कैन जस्ट टेक इट अप। हां राइट, केवल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लेटेस्ट में कुछ अपडेट आई है हॉलमार्किंग के ऊपर गवर्नमेंट से? यस यस, लेटेस्ट में अपडेट आई हुई है, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर विद यू दैट दिस इज व्हाट इट इज। जुलाई को उन्होंने उनका एक ऐप लॉन्च किया है BIS स्कैन करके, जब कोई भी कस्टमर आपके शॉप में आता है तो यू कैन जस्ट एज अ मार्केटिंग या पब्लिसिटी यू कैन से कि आपको अगर ऑथेंटिसिटी ऑफ द ज्वेलर ज्वेलरी करनी है तो यू कैन गो टू द BIS स्कैन का जो ऐप में जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। एट द सेम टाइम 27 जुलाई को उन्होंने एक पोर्टल EBIS पोर्टल लॉन्च किया, manakonline.in। It is a very interactive portal. I would request all the jewelers to please go in. The BIS is very active. वो लोग भी digitized mode में जा रहे हैं और काफी अच्छा और बढ़िया portal इन्होंने बनाया हुआ है। 21st August 2020 से उन्होंने online registration और renewal दोनों चीज को उन्होंने online कर दिया है। जिसको भी नया registration लेना है, they can go to the website, you can make an application, you can get an online registration. Initially, there were a lot of hiccups in this registration portal, GST के जैसे उसमें भी काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, but yes, धीरे धीरे ये सब सुधार ला रहे हैं, and now it has become very simple. You can go to the portal, you can get your renewal also, you can get registration also. It is applicable for both, even the hallmarking centers are having online registration and renewal. 9th October 2020 को उन्होंने एक नया amendment order लेके आए, जिसमें उन्होंने hallmarking की जो mandatory hallmarking की date है, जो उन्होंने extend कर दी, 15 जनवरी 2021 से वो लोग ने 1st जून 2021 को फाइनली दे हैव एक्सटेंडेड दैट डेट। बैक टू यू। ओके, थैंक यू भाभी भाई, थैंक यू सो मच। तो हम आपसे खासकर जानने को हमें ये मिला कि जो हॉलमार्किंग के डेट्स हैं, भले 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है और इसको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये आसान तभी होगा जब हम सिस्टमेटिक होंगे, अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखेंगे, जो हॉलमार्किंग हम करा रहे हैं, जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी हम बेच रहे हैं। और ऐसे हमारे दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि जो हॉलमार्किंग कभी आएगा ही नहीं, वो आएगा, जल्दी ही आएगा, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आप भी अपने कमर कस लें और अपने आप को उस तरीके से तैयार हो जाएं। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हम विशाल जी ले सकते हैं। यू कैन टेक ओवर विशाल जी, वी कैनॉट हियर यू, यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू फॉर डूइंग द मॉडरेशन ऑफ द सेशन सो वेरी वेल, एंड थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट एज वेल फॉर गिविंग वेरी वेरी अप्रोप्रिएट सुटेबल प्रेजेंटेशंस। I am sure the participation was very helpful and we can now take questions. I will request members who want to ask questions, if they can raise hands and they can ask their questions through the chat box. Hum unko unmute karenge jinhone apna question ke liye. Ramesh ji ne message kiya mujhe ki he wants to ask something. Sure. Ramesh ji ko unmute kar dete. Unable to see Ramesh ji on the name. Unhone koi aur naam se login kiya? Maybe. Koi nahi, aur ko le lijiye tab tak. प्रशांत जी का एक हैंड रेज में देख रहा हूँ। प्रशांत जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हेलो, प्रशांत जी, यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ प्रशांत जी, आप पूछिए। हेलो, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। सर जी, मेरा बोलना ये था कि हम लोग ट्रिपल 9 का माल बनाते हैं। इंट्रोड्यूस कीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ हाँ, से बोल रहे हैं? मैं प्रशांत उर्पड़े बोल रहा हूँ, सिद्धि विनायक सिल्वर 8 से, जो कि पहले खामगांव में था, अभी नागपुर शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है, बोलिए। हाँ तो सर जी, इसमें मेरा प्रॉब्लम ये था कि अभी हॉलमार्किंग का जो चल रहा है 916 वगैरह, हम लोग है ना 999 की वजह से हम लोग फेमस है महाराष्ट्र के अंदर पूरा खामगांव की। 999 की हम लोग चीजें बनाते हैं, जैसे मंदिरों का काम हो गया, उसके बाद में ज्वेलरी में पानदान वगैरह, ग्लास वगैरह जो हम बनाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगा क्या सर इसका भविष्य के अंदर? जी भाविन भाई। हेलो, ये आपकी क्वेश्चन समझ गया प्रशांत जी। भाविन भाई
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ यू फॉलो एंड कंप्लाई विद द लॉ. अगर आप ये कानून का पालन करेंगे और आपने जो भी ये जो हॉलमार्किंग वगैरह की रजिस्ट्रेशन लेंगे और आगे आके फॉलो करते जाएंगे, हालांकि सिल्वर में मैंडेटरी नहीं है 1 जून से, इट इज मैंडेटरी ओनली फॉर गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं ना सर, वही बोल रहा हूँ, 999 का काम है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, पहले से भी नहीं और अभी भी नहीं रहेगा, बस इतना ही मेरे को पूछना था. ठीक, थैंक यू सर. विशाल जी, क्वेश्चन है अरुण रामदास जी का. सर मैं पूछ सकता हूँ? मैं जी बोलिए बोलिए. सर मैं अरुण रामदास, ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन से हूँ. मैं मैं आपके बबीन भाई से, मैं थैंकफुल टू बबीन भाई फॉर गिविंग गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स टुडे एंड थैंक्स फॉर जीजेसी. सर माय क्वेश्चन, माय फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है मिनिमम वेट फॉर हॉलमार्किंग. फर्स्ट जो है मिनिमम वेट फॉर हॉलमार्किंग. एंड सेकंड क्वेश्चन, देयर आर मेनी ज्वेलर्स इन द स्टेट हू सेल्स सिल्वर ज्वेलरी सर, मेन सिल्वर ज्वेलरी, एंड दे सेल वेरी लो वेट ऑफ ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरीज आल्सो. सर देयर आर, आवर एसोसिएशन हैज स्टार्टेड सेलिंग हॉलमार्क्ड सिल्वर ज्वेलरी आल्सो. ओके, सो Is it necessary for a small silver jeweler to take a hallmarking license to sell a hallmarking silver jewelry, sir? That's the two questions I was asking you, sir. Okay. Yeah, sir. Okay, I'd like to take your first question. The minimum weight is 2 grams in case of jewelry. And as far as your silver jewelry is concerned, I would like to repeat that hallmarking from 1st June 2021 is applicable only in case of gold jewelry and gold artifacts. Okay. Silver. एक सेकंड में भाविन भाई आपको रोकने की कोशिश करूंगा. जो ये बातें आ रही है 2 ग्राम, 2 ग्राम ग्रॉस वेट है या नेट वेट है? 2 ग्राम इज द ग्रॉस, द 2 ग्राम इज द कंटेंट ऑफ गोल्ड. सो अपना जो गोल्ड कंटेंट अपना ये जो आपका है 2 ग्राम ज्वेलरी, करेक्ट? यानी नहीं, मैं ये अगर वो कोई ज्वेलरी है वो 2.5 ग्राम की है ग्रॉस वेट, उसमें अगर 0.5 ग्राम जो है कलर स्टोन है और गोल्ड का जो वजन है वो 1.9 है या 9.95 है, तो वो हॉलमार्क में आती है या नहीं आती है? मेरे हिसाब से तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक इट विल कम. 2 ग्राम इज लाइक गोल्ड ग्रॉस वेट गिना जाएगा सर. सर वही मैं पूछ रहा था, गोल्ड मतलब वो ग्रॉस वेट है या नेट वेट, यानी कि मतलब अगर कलर कोई ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड 1 ग्राम है और 1.5 ग्राम जो है कलर स्टोन है तो भी वो हॉलमार्क होना जरूरी है? 2 ग्राम पकड़ा जाएगा सर. यस, ठीक है. अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं मैं, कि अगर कोई ज्वेलरी है उसमें कलर स्टोन 1.5 ग्राम की है, 1 ग्राम का गोल्ड है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, बाद में सेट करके बेच दिया, तो नहीं? नहीं, फिर से सर बताइए, थोड़ा रिपीट कीजिए. आप बोल रहे हो एक ज्वेलरी है 2 ग्राम के नीचे की गोल्ड है और कलर स्टोन भी है उसमें, अगर हमने उसको बेच दिया, बेचते वक्त 2 ग्राम के नीचे की गोल्ड हो गई, अलग अलग करके हमने बिल बनाया और बेचा, यस, फाइनली कस्टमर ने उसको सेट करा के पहन लिया, तो ओके, हाँ, तो वो 2 ग्राम के ऊपर मानी जाएगी कि कम की मानी जाएगी? नहीं नहीं, इफ यू आर सेलिंग इट सेपरेटली, अगर आपका इनवॉइस ही सेपरेट है कि 2 ग्राम का अलग बिल दे रहे हो, ये स्टोन का अलग बिल दे रहे हो, तो फिर तो वो उसके ऊपर कोई जरूरत ही नहीं है, वो 2 ग्राम के नीचे तो हॉलमार्किंग में एग्जम्प्ट हो जाएगा, फिर उसने खुद सेट कर लिया, तो दैट इज आउट ऑफ द परव्यू. करेक्ट करेक्ट, ओके. विशाल जी, आई थिंक सो इट्स ऑलरेडी 4 o'clock, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, वो हम इनको भेज सकते हैं भाविन भाई को. सर दो लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उन्होंने हैंड रेस किए थे, तो आपको लास्ट 2 questions विशाल जी. जरूर, जय सोनी जी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और मुथु वेंकट रामन जी है, तो पहले मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर जय सोनी को कि वो अपना क्वेश्चन पूछे. हेलो सर, बोलिए. मेरा ये क्वेश्चन है, इन दिनों जो बुलियन बार सेलिंग हो रहा है बुलियन डीलर द्वारा, जो डुप्लीकेट बार सेलिंग हो रहे है, उसके लिए क्या आप रेगुलेशन कोई है, अगर इंडस्ट्री करना चाहेगी तो क्या कर सकती है? आप एक मेल कर दीजिए, इसका जवाब आपको दे देंगे. अभी हॉलमार्किंग के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं राइट नाउ, ओवर मुत्तू जी को ले लीजिए. ये नमस्ते जी भाविन भाई, हम मुत्तू. नमस्ते मुत्तू जी. नमस्ते सर. सर टू योर परसेप्शन, दिस हॉलमार्क शुड बी इंप्लीमेंटेड और टू बी मेड मैंडेटरी एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इज इट करेक्ट? Because the intention of the introducing hallmark mandatory is to control the manipulation, adulterations, and to make one India, one quality. That means
in a discipline in the quality. The government is very strict and very sincere in that. Even industry also, we are more supportive to that. But to your perception, if you want to make success this scheme or this project, I think it is better to be make mandatory in the point of manufacturing. Sir, what is your question? Place of manufacturing. Please, okay, Muthuji, that itself is a point of debate. So I think the first FAQ which we showed you on the screen was whether it is applicable to manufacturers and wholesalers or is applicable only to retailers. So to answer this on this forum, whether it should be at the point of manufacturer or at point of retail. So if I say point of retail, there are many retailers lined up who will be annoyed with me. And if I say it should be on point of manufacturer, whether manufacturers will be annoyed with me. But if you ask me personally, the intent of the law is, it is something like that you go and you buy a shirt from a mall. So when you go and buy a shirt from a mall, the lifestyle mall, the consumer has a connect with the mall. Even if the shirt is from Arrow, they will not say that I will go to the Aditya Birla company and file a case with him, or I will say that your shirt is not proper. भाविन भाई, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी आई नहीं है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, और जीजेसी भी इसका प्रेजेंटेशन दे रही है, तो इस टॉपिक को हम बाद में ले सकते हैं इस तरह की। ठीक है, कहाँ पे ये होना चाहिए। नाउ आई एम वेरी मच थैंकफुल, मैसेज आया हमारे चेयरमैन आनंद पद्मानंद जी का और हमारे को कन्वेनर संजय अग्रवाल जी का, वो दोनों आज नहीं ज्वाइन हो सके कुछ ना कुछ रीजन से, अपने बेस्ट विशेस भेजे हैं, और लाभम हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संडे को अभी ला सकें और भी ज्यादा से ज्यादा इसको अपग्रेड करके अच्छा कर सकें। ओवर टू यू विशाल जी। थैंक यू मनोज जी, हालांकि काफी और क्वेश्चंस थे, बट आई अंडरस्टैंड टुडे वी आर पॉजिटिव ऑफ टाइम, डेफिनेटली इन कमिंग सेशंस हॉलमार्किंग के ऊपर हम काफी और एक्टिविटीज करने वाले हैं, काफी और क्वेश्चंस इस तरह के हम हॉलमार्किंग सेशन पे ले सकेंगे, बट इन द मीनवाइल अगर कोई प्रेसिंग क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो हमको ईमेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपको इसी सेशन के बाद में वो क्वेरीज रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स के हम स्पीकर्स तक पहुंचाएं और उनका रिप्लाई भी हम दे दें। अभी आगे बढ़ने के लिए मैं इनवाइट करूंगा अब्दुल नाजर जी, हमारे COO हैं, हमारे बोर्ड मेंबर हैं जीजेसी के, और वोट ऑफ थैंक्स अब्दुल नाजर जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू विशाल जी। द लाभम इस जीजेसी प्रेस्टीजियस प्रोग्राम is great for educating and enabling the fronts in our industry about the new rules and business practices. I would like to thank all those who took good classes and participating in this Labham event. My sincere thanks to the moderator, Manoj Kumar Jha, director of Jaman Jewelry Domestic Council. And my sincere thanks to Shivanshu Mehta ji, Bhavin Mehta ji, Hemal Soni, Vijay Soni ji, and our colleague Kamal Singhania ji, and our secretary Vishal Gadkar. Un sabhi ke dhanyavad dena chahte hai jinhone achhi kakshayein li aur is labham event mein bhag liya. Dhanyavad. Once again, thanks to all. Thank you. आप हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं नाजर भाई, टुडे आई केम टू नो। स्पेशल थैंक्स जो है वो खासकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को जाती है, जो हमेशा हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी रहती है, और ये लाभम प्रोग्राम में हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका, और MCX का बहुत बड़ा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम आज के हमारे जो कंसल्टेंट हैं, खासकर हेमल सोनी जी और भाविन मेहता जी, इनका कंटिन्यूस सपोर्ट है, और तन मन धन हर तरह से सपोर्ट है, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और विदाउट बहुत छोटे से नोटिस पे दोनों जन ने हमें हाँ बोला। दोनों जन का अनफॉर्चुनेटली आज दोनों जगह बिजी थे, लेकिन फिर भी अपने व्यस्त समय से निकाल के इन्होंने आज टाइम दिया। एट द सेम टाइम विजय सोनी जी काफी एक्सपीरियंस ज्वेलर हैं, उन्होंने भी आज संडे के दिन वक्त निकाल के आज हम लोग सबको वक्त दिया, और इन सब के ऊपर जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो संडे के दिन अपना फैमिली टाइम छोड़ के आज हमारे पास आते हैं और अच्छी अच्छी नई बातें, नए अपडेट सीखते हैं, और हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि हम हर संडे को आके हम लाभम कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।